गुड इवनिंग फ्रेंड्स. सो बिफोर वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज 147, हमें कुछ कंसेप्ट्स की नॉलेज गेन करनी पड़ेगी. सो इट विल टेक मी अराउंड 2 लेक्चर्स टू गिव यू दैट नॉलेज, उसके बाद 147 कर पाएंगे हम. पेज 159 पर आइएगा, इनकम टैक्स अथॉरिटीज. सबसे टॉप पर होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. उसके नीचे होते हैं चीफ कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स, चीफ CID. उसके नीचे होता है CIT एंड एट द सेम लेवल यू हैव CIT अपील्स. उसके नीचे होते हैं जॉइंट कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स. उसके नीचे होते हैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. उसके नीचे होता है इनकम टैक्स ऑफिसर. उसके नीचे होता है टैक्स रिकवरी ऑफिसर. और लोएस्ट होता है इंस्पेक्टर्स ऑफ इनकम टैक्स. So at the top you have CBDT, below that Chief CIT, below that CIT, and same level pe hota hai CIT appeals, JC Joint Commissioner, Assistant Commissioner, ITO, TRO and Inspectors. ये लोग assessment करते हैं. तो जो faceless national फेसलेस असेसमेंट सेंटर में एओज होते हैं वो यही वाले होते हैं. एक अथॉरिटी इन्होंने और इंट्रोड्यूस की, एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. सो बेसिकली JC की प्रमोशन के बाद वो बन जाता है एडिशनल कमिश्नर, बट ये असेसमेंट का रोल ही करता है. सो एडिशनल CIT इज नथिंग बट बड़ा JC. सो जॉइंट कमिश्नर की प्रमोशन करके उसे बना देते हैं एडिशनल CIT. और पूरे एक्ट में जहां भी जॉइंट कमिश्नर लिखा हुआ है, इट मींस जॉइंट कमिश्नर एज वेल एज एडिशनल कमिश्नर. ओके, अब यहां इन्होंने चेंजेस किए. चीफ CIT का एक स्टेप ऊपर, यानी थोड़ी सी स्केल हाई होती है पे स्केल, लेके आ गए प्रिंसिपल चीफ CIT. सो एज सच कोई फर्क नहीं होता, दोनों एक ही होते हैं, बट इसकी पे स्केल ज्यादा होती है. और इधर CIT के साथ लिया है प्रिंसिपल CIT. सो प्रिंसिपल चीफ CIT एंड चीफ CIT आर इंटरचेंजेबल वर्ड्स. ऑल्दो प्रिंसिपल चीफ CIT की जो स्पेस किल होती है, इट इज हायर देन चीफ CIT. इसी तरह से CIT एंड प्रिंसिपल CIT इज द सेम, सिर्फ इसकी पे स्केल ज्यादा होती है. ये लोग असेसमेंट्स वगैरह करते हैं. लॉ कौन बनाता है? क्या निर्मला सीतारमन लॉ बनाती हैं? नो. सो मिनिस्ट्री में चीफ CIT के लेवल पर होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स. CIT के लेवल पर होता है
डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इसके लेवल पर होता है एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इसके लेवल पर होता है जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इसके लेवल पर होता है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, और इसके बाद मिनिस्ट्री में कोई पोस्ट नहीं होती। तो बेसिकली ये लोग लॉ बनाते हैं, ये लोग लॉ बनाते हैं। यहां पर भी प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल की पोस्ट आ गई, यहां प्रिंसिपल डायरेक्टर की पोस्ट आ गई। सो डायरेक्टर प्रिंसिपल डायरेक्टर एक ही बात होती है, ओनली थिंग इज प्रिंसिपल डायरेक्टर का पे स्केल इज हायर देन डायरेक्टर। देखिएगा सेक्शन 116 लिस्ट ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज, ITAT इनकम टैक्स अथॉरिटी नहीं होती, ITAT इनकम टैक्स अपलेट ट्रिब्यूनल इज नॉट एन इनकम टैक्स अथॉरिटी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी इनकम टैक्स अथॉरिटी नहीं होते। तो देखिए CBDT इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एट द टॉप, उसके नीचे चीफ CIT, चीफ CIT प्रिंसिपल चीफ CIT एक ही बात होती है, उसके नीचे CIT एट द सेम लेवल CIT अपील्स, और CIT प्रिंसिपल CIT एक ही बात होती है। एडिशनल CIT जॉइंट कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर ITO ये असेसमेंट्स करते हैं, ये टैक्स रिकवरी करता है और ये हेल्प करते हैं असेसिंग ऑफिसर्स की। सेम लेवल पे मिनिस्ट्री में होता है डायरेक्टर जनरल, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर, प्रिंसिपल डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर। सो एट द टॉप यू हैव सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, बिलो दैट यू हैव द डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सो इन सब की पोस्ट एक ही होती है, डायरेक्टर जनरल और प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री में बैठते हैं। बट अब आप देखेंगे कि इनको प्रैक्टिकल लाइफ में भी कुछ काम दे दिए गए हैं, हम देखेंगे सर्च एंड सीजर में कि इनको प्रैक्टिकल लाइफ में भी कुछ काम दे दिए गए हैं। उसके नीचे होता है डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड CIT अपील्स। ये असेसमेंट्स करते हैं। तो नेशनल फेसलेस सेंटर में भी ये लोग ही पोस्टेड होते हैं। एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स ही सिट्स इन द मिनिस्ट्री, एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सो एडिशनल कमिश्नर एंड JC इज द सेम पोस्ट। जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। बिलो दैट यू हैव ITOs, TROs एंड इंस्पेक्टर्स ऑफ इनकम टैक्स। तो मैंने बताया कि एडिशनल कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर ही होता है, सिर्फ उसका पे स्केल ज्यादा होता है। सेक्शन 2 कहता है जॉइंट कमिश्नर मींस जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एज वेल एज एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसी तरह जॉइंट डायरेक्टर मींस जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स एज वेल एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। अच्छा, असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर एक ही पोस्ट होती है, पे स्केल का फर्क होता है। सो असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर एक ही पोस्ट होती है, सिर्फ पे स्केल का फर्क होता है। सो असिस्टेंट कमिश्नर मींस असिस्टेंट कमिश्नर एज वेल एज डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर मींस असिस्टेंट डायरेक्टर एज वेल एज डिप्टी डायरेक्टर। डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स मींस डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स एज वेल एज प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, चीफ कमिश्नर मींस चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। कमिश्नर मींस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। डायरेक्टर मींस डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल डायरेक्टर।
सो पूरे एक्ट में जहां पर भी कमिश्नर लिखा हुआ है वहां आप पढ़ेंगे प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर, जहां भी डायरेक्टर लिखा हुआ है डायरेक्टर और प्रिंसिपल डायरेक्टर, जहां भी चीफ कमिश्नर लिखा हुआ है चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, जहां डायरेक्टर जनरल लिखा हुआ है डायरेक्टर जनरल और प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल। ये एक चेंज आया है, चीफ कमिश्नर का मतलब चीफ कमिश्नर भी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स भी है, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स है। आप देखेंगे चीफ कमिश्नर को कुछ वो देनी होती है अप्रूवल्स सर्च वगैरह के लिए, तो अब ये पावर इन्होंने दे दी है इवन टू डायरेक्टर जनरल एंड प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल। हम शॉर्टली पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा आप। सो डेफिनेशन ऑफ चीफ कमिश्नर हैज बीन अमेंडेड टू इंक्लूड डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। देयरफॉर इन द एंटायर इनकम टैक्स एक्ट वेयर चीफ सीआईटी इज बीन गिवन पावर फंक्शंस, जैसे रेट के केस में अप्रूवल देना होता है, then such power function can also be exercised by Director General of Income Tax and Principal Director General of Income Tax। तो सिर्फ आपकी नॉलेज होनी चाहिए, रटना नहीं आपको। ये नेक्स्ट चैप्टर में ये समन, जैसे जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को समन भेजा था ब्लैक डियर केस में, और सलमान खान ने कहा तो मैं बहुत बिजी नहीं आ सकता, तो जोधपुर कोर्ट ने कहा इसको उठा के ले आइए। पुलिस को कहा कि हम नॉन बेलेबल वारंट इशू करते हैं, इसको उठा के ले आइए। सो समन कोर्ट इशू करते हैं, ये पावर इन्होंने इनकम टैक्स अथॉरिटीज को दे दी है कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज किसी को भी समन कर सकते हैं। समन का मतलब होता है पर्सनल प्रेजेंस, अगर आपको 131 का समन आ गया आपको खुद पर्सनली प्रेजेंट होना होगा, आप किसी सीए वगैरह को नहीं भेज सकते हैं। पावर टू समन द इनकम टैक्स अथॉरिटीज, जितनी भी मैंने इनकम टैक्स अथॉरिटीज पढ़ी वो एनडीआरपी, आपने डीआरपी पढ़ा था लास्ट टाइम, रेफर्ड इन 144C, हैव द पावर्स वेस्टेड इन द सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 व्हाइल डीलिंग विद द फॉलोइंग मैटर्स। तो जो भी पावर्स कोर्ट्स के पास होती हैं हम वो पावर्स दे रहे हैं इनकम टैक्स अथॉरिटीज को एनडीआरपी, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। क्या जजेस खुद जाकर साइट की इंस्पेक्शन कर सकते हैं? यस। जब गोधरा कांड हुआ जहां लोग जिंदा जलाए गए, हाई कोर्ट जजेस ने कहा कि हम किसी पे भी विश्वास नहीं करते, सारी मशीनरी सारा मतलब एडमिनिस्ट्रेशन बिका हुआ है, जजेस खुद साइट पे गए और इंस्पेक्शन किया। तो सेम पावर इनकम टैक्स अथॉरिटीज की है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज साइट पे जा सकती है और इंस्पेक्शन कर सकती है। जैसे कि क्या है कि आपने बिल्डिंग बनाई है, और आपने कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन दिखाई है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 1 करोड़, अब इनकम टैक्स अथॉरिटी साइट पे जाके इंस्पेक्शन कर सकती है और देख सकती है कि इस बिल्डिंग में तो 10 करोड़ रुपए लगा हुआ है, जो लिफ्ट है वो ही 50 लाख की लगी हुई है, जितना मार्बल है इटालियन मार्बल है, सारे इंपोर्टेड गैजेट्स लगे हुए हैं। तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज साइट पे जाके इंस्पेक्शन कर सकती हैं और डिस्कवरी कर सकती है। सो 131 में पावर्स हैं ये, तो जो भी कोर्ट के पास पावर्स होते हैं वो सारी पावर्स दे रहे हैं हम इनकम टैक्स अथॉरिटीज को, डिस्कवरी इंस्पेक्शन की नंबर बी।
आपने फिल्म में देखा होगा, जज कहता है आप विटनेस बॉक्स में खड़े हो जाइए और भगवत गीता पर हाथ रखे कसम खाइए कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के बिना कुछ ना कहेंगे। और अगर आप मोमडन हैं तो आपसे कहा जाता है कुरान शरीफ को पर हाथ रखिए और फिर स्वीयर करिए कि जो आप कहेंगे, सच के बिना कुछ नहीं कहेंगे। क्या इनकम टैक्स अथॉरिटीज DRP ऐसा कर सकती हैं? यस। नेक्स्ट पावर देखिएगा, क्या बैंकिंग ऑफिसर बैंक मैनेजर को बुलाकर उसकी स्टेटमेंट्स ले सकते हैं? यस। आप ये नहीं कह सकते कि बैंक इज बाउंड बाय सीक्रेसी कोड। यू कैन नॉट से कि बैंक वाले के पास इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है। अगर इनकम टैक्स वाले बैंक मैनेजर को बुलाते हैं, अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन मांगते हैं, उसे देनी पड़ेगी। क्लॉज बी में लिखा गया। सो इनकम टैक्स अथॉरिटीज 131 का समन देके एनफोर्स कर सकती हैं द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो केस से जुड़ा हुआ हो, इंक्लूडिंग एनी ऑफिसर ऑफ अ बैंकिंग कंपनी एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ। सो इनकम टैक्स अथॉरिटीज असेसी को, क्रेडिटर्स को, डेटर्स को जिसने लोन दिया है, शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, किसी को भी जो केस से कनेक्टेड है उसको बुलाकर, इंक्लूडिंग बैंक मैनेजर, उसकी अटेंडेंस एनफोर्स कर सकती हैं और उसे ओथ पर एग्जामिन कर सकती हैं, कंपेल कर सकती हैं प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड इशूइंग कमीशंस। इशूइंग कमीशन का मतलब होता है, लिखिएगा, अपॉइंटिंग एन एक्सपर्ट टू गिव रिपोर्ट ऑन सर्टेन मैटर्स। जैसे कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुला सकती हैं कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट हमें इन चीजों पर रिपोर्ट दे। सो 131 में ये पावर्स हैं इनकम टैक्स अथॉरिटीज। अगर आपका केस पेंडिंग नहीं भी है, देन ऑल्सो द इनकम टैक्स अथॉरिटीज कैन समन यू। दीज पावर्स कैन बी एक्सरसाइज इवन इफ नो प्रोसीडिंग विद रिस्पेक्ट टू सच पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन इज पेंडिंग बिफोर हिम और एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी। तो आपका केस कहीं पेंडिंग नहीं भी है तो भी आपको बुलाकर ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे बिटवीन इंडिया एंड USA। ये इसलिए एंटर किए जाते हैं कि एक इनकम को डबली टैक्स ना किया जाए। सो DTA कह के कि इनकम यहां टैक्स होगी, यहां टैक्स नहीं होगी, यहां टैक्स होगी, यहां टैक्स नहीं होगी, इस तरह से DTA प्रोवाइड करता है। जिन कंट्रीज के साथ DTA नहीं है हमारे, उनके साथ हमारे हैं टैक्स TIEA, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट्स। जैसे हांगकांग है, मकाऊ है, वहां टैक्स लगता ही नहीं है। तो जहां टैक्स नहीं लगता उन कंट्रीज से हम एंटर करते हैं TIEA, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट्स। DTAs में एक पैराग्राफ होता है जहां दोनों गवर्नमेंट्स एक दूसरे को वादा करती हैं, प्रॉमिस करती हैं कि हम आपको इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। अगर आपके यहां टैक्स अवॉइडेंस हो रहा है, टैक्स इवेजन हो रहा है, तो हम उसे टैकल करने में आपकी हेल्प करेंगे। अगर इंडिया के लोगों ने US में अकाउंट्स खोले हुए हैं, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, हम इंफॉर्मेशन देंगे आपको। सो ये सब पढ़ेंगे आप इंटरनेशनल टैक्सेशन।
और जिन कंट्रीज से ज़्यादा डीटी नहीं है वहाँ हमारे हैं टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट्स, जैसे हांगकांग के साथ है। सो इस एग्रीमेंट के अंदर हांगकांग गवर्नमेंट इंडिया को इन्फॉर्मेशन देती है कि किन लोगों ने हांगकांग में बैंक अकाउंट खोले हुए हैं, कंपनी खोली हुई हैं, ताकि इंडियन गवर्नमेंट चेक कर सके कि कहीं ब्लैक का पैसा हांगकांग में जमा तो नहीं हो गया। अब DTA में, TIA में ये एग्रीमेंट्स गवर्नमेंट के बीच होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ US, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ हांगकांग। अब सपोज US गवर्नमेंट से इंडियन गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इंफॉर्मेशन कौन मांगेगा? मोदी, सीतारमन? सो आइएगा पेज 161, कॉलिंग इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 90 एंड 90A, ये होता है DTA एंड TIEA। अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए DTA के अंदर, जैसे इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में DTA है, इंडिया और स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट के बीच में DTA है, जहां इंडियन गवर्नमेंट ने उस एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि दोनों गवर्नमेंट्स एक दूसरे की हेल्प करेंगी इन कम्बेटिंग टैक्स इवेजन, इन प्रिवेंटिंग टैक्स इवेजन, और अगर टैक्स इवेजन हुआ है तो उसे हेल्प करेंगी टैकल करने में। तो इंडियन गवर्नमेंट ने स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट को लिखा DTA के अंदर कि जिन लोगों ने, हिंदुस्तानियों ने स्विस में, स्विट्जरलैंड में अकाउंट्स खोले हैं उनकी हमें डिटेल दीजिए। फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग एन इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन इन रिलेशन टू एन एग्रीमेंट रेफर्ड इन 1990A, दिस इज DTA एंड TIA, इट शैल बी कॉम्पिटेंट फॉर एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी। तो अब ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ना मांगे, कौन मांगेगा? एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, यानी असिस्टेंट कमिश्नर से नीचे नहीं होना चाहिए, यानी कि ये नहीं मांग सकते, ये लोग मांग सकते हैं सब, बट ये लोग तब मांग सकते हैं इफ दे हैव बीन ऑथराइज्ड बाय CBDT दैट यू आर ऑथराइज्ड टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन ऑन आवर बिहाफ। फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन इन रिलेशन टू एन एग्रीमेंट रेफर्ड इन सेक्शन 1990A, दिस इज DTA एंड TIA, इट शैल बी कॉम्पिटेंट फॉर एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर एज मे बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड, बोर्ड मीन CBDT इन दिस बिहाफ, to exercise the powers under subsection 1 on the income tax authorities referred in subsection, notwithstanding that no proceeding with respect to such person or class of persons are pending before it or any other income tax authority. So DTA mein, TIA mein, agar information chahiye, to mang sakte hai असिस्टेंट कमिश्नर एन अबव ऑथराइज बाय द बोर्ड इन दिस बिहाफ। ये मैंने समझाया। अंडर सेक्शन 90 एंड 90A द एग्रीमेंट प्रोवाइड्स, ये एग्रीमेंट होता है DTA, प्रोवाइड्स फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ इवेजन, अवॉइडेंस ऑफ इनकम टैक्स चार्जेबल अंडर दिस एक्ट और इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस ऑफ टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस। These agreements are entered with government of foreign countries, DTA बोलते हैं इनको हम, आगे बताऊंगा, specified territories like Hong Kong,
दैट इज नॉन सॉवरेन ज्यूरिसडिक्शंस लाइक हांगकांग, मकाऊ, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, जहां पर टैक्स होता ही नहीं है, टैक्स हेवन होते हैं, वहां हम एंटर करते हैं TIEA, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट्स. नाउ द इशू अराइजेस एज टू हू इन इंडिया विल आस्क फॉर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट या फिर नॉन सॉवरेन ज्यूरिसडिक्शंस अंडर DTA. सो नॉन सॉवरेन ज्यूरिसडिक्शन होती है लाइक हांगकांग, मकाऊ, जहां गवर्नमेंट नहीं है, वो चाइना के अंडर आते हैं. ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड अपनी खुद की गवर्नमेंट नहीं है, दैट कम्स अंडर यूनाइटेड किंगडम. सो नाउ द इशू अराइज़ेस एज टू हू इन इंडिया. सो ये सब कुछ आप करेंगे इन इंटरनेशनल टैक्सेशन. हू विल आस्क फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट्स नॉन सॉवरेन ज्यूरिसडिक्शंस अंडर द DTA और TIEA एंटर्ड विद देम. This information is required for prevention या फिर investigation of cases of tax evasion, avoidance for example. The Indian government wants information of persons who have deposited their unaccounted money in banks in Switzerland. Then which department in India will ask for this information from Switzerland government under the DTA between India and Switzerland? Finance Act 11 provides that any income tax authority not below the rank of assistant commissioner, as may be notified by the CBDT, shall exercise this function. The amendments therefore is provided as under. For the purpose of making inquiry investigation in respect of any person, class of persons in relation to DTA, TIEA, it shall be competent for any income tax authority not below the rank of AC. Sare aage baki upar wale sare. Such income tax authority shall be notified to the CBDT for this purpose to exercise the powers conferred under 131(1). So, ye authority summon bhejengi for getting the information from the foreign government, non-sovereign jurisdictions for prevention, investigation of cases of tax evasion avoidance under an agreement referred in 1990A. This power can be exercised even if no proceedings are pending before such income tax authority or any other income tax authority with respect to the person against whom inquiry investigation has to be made. अब मान लीजिए जॉइंट कमिश्नर ऑथराइज्ड टू आस्क फॉर द इंफॉर्मेशन. जॉइंट कमिश्नर ने एक मिनट 131(1) में आपसे बुक्स मंगाई गई, आपसे बुक्स मंगा गई और बुक्स मंगाई है मान लीजिए कमिश्नर ने या जॉइंट कमिश्नर ने. क्या जॉइंट कमिश्नर कमिश्नर बोल सकता है अपने इंस्पेक्टर से बुलाकर इनसे बुक्स छीन लीजिए, इंपाउंड कर लीजिए? यस, ये पावर है 131(3). इवन जो फॉरेन गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन आ रही है उसको तो इंपाउंड करने का मतलब है ही नहीं, बट इन्होंने लिख दिया कि हम उसको भी इंपाउंड कर सकते हैं. सो प्रैक्टिकली फॉरेन से कोई ऑफिसर इंफॉर्मेशन थोड़ी लेके आएगा, बट अगर बाई चांस लेके आता है उससे हम छीन सकते हैं, इंपाउंड कर सकते हैं. ये बात 131(3) में लिख दी गई. पावर इंपाउंडिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट, इंपाउंडिंग मतलब छीन लेना और अपने पास रख लेना. द इनकम टैक्स अथॉरिटीज द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल रेफर्ड इन 144C एंड द इनकम टैक्स अथॉरिटी नोटिफाइड बाय द CBDT अंडर 131(2) मे इंपाउंड, इंपाउंड मतलब छीन लेना किताबें, डॉक्यूमेंट्स, एंड रिटेन इन इट्स कस्टडी फॉर सच पीरियड एज इट थिंग्स फिट एनी बुक्स ऑफ अकाउंट अदर डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस बिफोर इट इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट. सो प्रैक्टिकली फॉरेन से जो इंफॉर्मेशन आती है वो तो बाई ईमेल आती है, कोई ऑफिसर तो लेके आता नहीं, बट बाई चांस लेके आता है तो उससे भी हम छीन सकते हैं. हाउएवर अब ये कह रहे हैं कि अगर AO बुक्स इंपाउंड कर रहा है, हाउएवर
द ईओ शैल नॉट इंपाउंड एनी बुक्स ऑफ अकाउंट अदर डॉक्यूमेंट्स विदाउट रिकॉर्डिंग हिज रीजंस फॉर डूइंग सो। सो अगर ईओ बुक्स हम इंपाउंड कर रहे हैं उसे रीजंस देने पड़ेंगे कि मैं बुक्स क्यों इंपाउंड कर रहा हूं। रीजंस इस तरह के होंगे कि बुक्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिससे पता चल रहा है कि इनकम कंसील की गई है। और रिटेन इन हिज कस्टडी एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 15 डेज एक्सक्लूसिव ऑफ हॉलीडेज विदाउट ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ चीफ सीआईटी सीआईटी एज द केस में। तो अगर ईओ बुक्स इंपाउंड करेगा तो उसे रीजंस देने पड़ेंगे कि किस वजह से मैं इंपाउंड कर रहा हूं, और अपनी कस्टडी में रख सकता है सिर्फ 15 दिन एक्सक्लूसिव ऑफ हॉलीडेज, बट उससे ज्यादा रखना चाहता है उसे प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी चीफ सीआईटी या सीआईटी की। हाँ, अगर सीआईटी चीफ सीआईटी इंपाउंड कर रहे हैं तो 1 and 2 रेलेवेंट नहीं है, उन्हें रीजंस रिकॉर्ड नहीं करने पड़ेंगे और 15 दिन से ज्यादा वो रिटेन कर सकते। क्लियर है? सो 131 में पर्सनल प्रेजेंस मांगी जाती है, ऑल्दो जहां फॉरेन से इंफॉर्मेशन आती है वहां पर्सनल प्रेजेंस नहीं होती है, वहां बाय ईमेल ही इंफॉर्मेशन आती है। नेक्स्ट चैप्टर 133। यहां आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेटर भेजेगा और लेटर का रिप्लाई आप लेटर के थ्रू ही करें। 131 में क्या था? समन आता है और उसमें आपकी पर्सनल प्रेजेंस मस्ट होती है। अब आपने देखा मैंने 143-144 के बाद ये सब शुरू कर दिया। इसका रीजन मैं आपको नेक्स्ट क्लास तक समझाऊंगा ऐसा क्यों किया। आज सीबीडीटी टैक्स इवेजन को ढूंढता है। सीबीडीटी टैक्स इवेजन को ढूंढता है और टैक्स इवेजन के केसेस को फ्लैग कर लेते हैं। यानी अगर मिस्टर एक्स ने इवेजन किया है तो मिस्टर एक्स को फ्लैग कर देते हैं कि इसका केस अब हम खोलेंगे 147। अब ये इंफॉर्मेशन कैसे इकट्ठी की जाती है वो पढ़ रहे हैं। पेज 163 पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। ईओ और द सीआईटी बिल्स में पहला बेकार है, दूसरा बेकार है, छोड़ सकते हैं आप, बट पढ़ लेते हैं। रिक्वायर एनी फर्म टू फर्निश द रिटर्न ऑफ नेम्स एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स एंड देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स। किसी भी फर्म को कह सकते हैं मेरे पार्टनर से नाम बताइए, उनका पीएसआर है वो क्या बताइए। अब तो ये पार्टनरशिप फर्म की रिटर्न में सारी इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए रिक्वायर्ड नहीं है। रिक्वायर एनी एचयूएफ टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ नेम्स एड्रेसेस ऑफ द मैनेजर एंड द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। एचयूएफ बोल सकते हैं कि अपनी मैनेजर और मेंबर्स ऑफ द फैमिली के नाम बताइए, कभी नहीं पूछते, बेकार है। अगर किसी पर्सन के पास करोड़ ऑफ रुपीस के एसेट्स हैं और वो अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखा रहा, उससे पूछ सकते हैं हम 133 का लेटर भेजकर कि बताइए आप एसेट्स किसके बिहा पर होल्ड कर रहे हैं।
आप किसके कस्टोडियन है एसेट्स के, रिक्वायर एनी पर्सन हुम ही हैज रीजन टू बिलीव टू बी ट्रस्टी गार्जियन एजेंट टू फर्निश अ रिटन ऑफ नेम्स ऑफ द पर्सन फॉर हुम और ऑफ हुम इज अ ट्रस्टी गार्जियन एजेंट एंड देयर एड्रेसेस, ये पूछते हैं। तो अगर कोई पर्सन करोड़ ऑफ रुपीज के एसेट्स होल्ड कर रहा है, अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखा रहा है, तो उसको 133 में लेटर भेजकर पूछ सकते हैं कि आप ये एसेट्स किसके बिहा पर होल्ड कर रहे हैं, उसका हमें नाम एड्रेस दीजिए, ताकि हम इन्वेस्टिगेशन कर सके कि उस पर्सन ने एसेट्स लीगल मीन से एक्वायर किए थे या नहीं। अगर ब्लैक मनी से एक्वायर किए थे तो सीबीडीटी उसका नाम फ्लैग कर देगी अपनी उसमें रिकॉर्ड्स में, और फिर आपको 147 में केस खुल जाएगा जो हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। डी ये क्या करते हैं, जितनी बड़ी कंपनीज हैं प्रैक्टिकली लिस्टेड कंपनीज, उन सबको 133 लेटर भेजते हैं कि आपने पिछले 4 साल में जिनको भी रेंट पे किया है, इंटरेस्ट पे किया है, कमीशन पे की है, उन सब की हमें डिटेल्स दीजिए, ताकि हम चेक कर सके। तो अब देखिए, टाटा स्टील है, उसके 10,000 एजेंट्स है पूरी इंडिया में। अब ईओ ये नोटिस भेजकर, नोटिस नहीं बोलते, लेटर बोलते हैं, लेटर, ये लेटर भेजकर आप 10,000 लोगों को, मतलब सॉरी, टाटा स्टील से कहेगा कि जो 10,000 एजेंट को आपने कमीशन पे किया है उनकी हमें डिटेल दीजिए। फिर ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी, इंफॉर्मेशन सीबीडीटी के पास चली जाएगी, सीबीडीटी चेक करेगी थ्रू द मींस ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कि क्या ये कमीशन इन एजेंट्स ने अपनी रिटर्न में दिखाई है या नहीं। नहीं दिखाई, इट्स अ केस ऑफ इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। सीबीडीटी फ्लैग कर देगी उसका नाम, ये टैक्स इवेडर है। रिक्वायर एनी असेसी टू फर्निश अ स्टेटमेंट ऑफ नेम्स एड्रेसेस ऑफ ऑल द पर्सन टू हुम ही हैज पेड इन एनी प्रीवियस ईयर रेंट इंटरेस्ट कमीशन रॉयल्टी ब्रोकरेज एन्युटी टुगेदर विद पर्टलस ऑफ ऑल सच पेमेंट्स। आप कह रहे हैं ये डिटेल तो टीडीएस रिटर्न में मिल जाती है, बट जहां मैं रेंट पे कर रहा हूं 2,40,000 से कम, वो मेरी टीडीएस रिटर्न में नहीं आता। तो अगर कंपनी ने किसी को 2,00,000 का रेंट दिया है, उस पर टीडीएस नहीं काटा होगा। अब ये इंफॉर्मेशन मंगा लेंगे कि जिसको भी आपने रेंट पे किया हमें डिटेल दीजिए, ताकि हम अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू चेक कर सके कि उस पर्सन ने 2,00,000 का रेंट अपने रिटर्न में दिखाया या नहीं। ई आजकल बहुत कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, सभी शेयर ब्रोकर्स को, सभी स्टॉक एक्सचेंजेस को 133 में लेटर भेज रहे हैं कि जो भी लोग 1 करोड़ प्लस के शेयर्स परचेज कर रहे हैं डिलीवरी के साथ, या 1 करोड़ या उससे ज्यादा के शेयर्स सेल कर रहे हैं डिलीवरी के साथ, उन सब की हमें डिटेल्स दीजिए। क्यों मांग रहे डिटेल? अगर आप 1 करोड़ के शेयर परचेज करें विद डिलीवरी, आपने पेमेंट दी होगी, आपसे पूछेंगे पेमेंट कहां से आई, इन्वेस्टिगेट करेंगे। बेचे आपने 1 करोड़ के शेयर्स विद डिलीवरी, कैप गेंस हुआ होगा, हम चेक करेंगे ये कैप गेंस आपने रिटर्न में दिखाया या नहीं दिखाया। और अगर आप स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं 50 करोड़ की ट्रांजैक्शन से पूरे साल में परचेज सेल की, उनकी उन असेसेस की डिटेल दीजिए। तो बेसिकली ये सारी इंफॉर्मेशन लेकर एनालाइज करते हैं कि किसने टैक्स इवेशन की है। जिसने टैक्स इवेशन किया है सीबीडीटी उन केसेस को फ्लैग कर देती है, और फिर हम एक नेक्स्ट क्लास में या उससे नेक्स्ट क्लास में 147 स्टार्ट करेंगे
इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के नोटिस दे देते हैं। रिक्वायर एनी डीलर, ब्रोकर, एजेंट और पर्सन कंसर्न्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ एनी स्टॉक और कमोडिटी एक्सचेंज हु इज द पर्सन कंसर्न इन द मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कमोडिटी एक्सचेंज डायरेक्टर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कमोडिटी एक्सचेंज। तो बीएससी एनएससी के डायरेक्टर्स उनसे भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं ताकि अगर ब्रोकर झूठ बोलता है तो हमें यहां से सही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। रिक्वायर एनी डीलर, ब्रोकर, एजेंट और एनी पर्सन कंसर्न इन द मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक और कमोडिटी एक्सचेंज डायरेक्टर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस टू फर्निश अ स्टेटमेंट ऑफ नेम्स एड्रेसेस ऑफ ऑल पर्सन टू हूम ही और एक्सचेंज हैज पेड एनी सम। स्टॉक ब्रोकर ने या स्टॉक एक्सचेंज ने पैसा पे किया है, यानी कि सेलर की डिटेल। डिटेल्स ऑफ सेलर इन कनेक्शन विद ट्रांसफर ऑफ एसेट्स और ऑन हूज बिहाफ ऑफ फ्रॉम हूम ही और एक्सचेंज हैज रिसीव्ड। योर एक्सचेंज रिसी मीन्स बायर। अगर आपने शेयर खरीदे हैं तो आपने स्टॉक एक्सचेंज या ब्रोकर को पेमेंट की होगी, उसकी डिटेल मांग रहे हैं। और प्रैक्टिकली मैंने बताया आपको, अभी ये मांग रहे हैं कि जिन लोगों ने 1 करोड़ तक के शेयर्स खरीदे पूरे साल में विद डिलीवरी या फिर 1 करोड़ के शेयर सेल किए हैं पूरे साल में विद डिलीवरी, उनकी डिटेल मांग रहे हैं। इसी तरह जिन्होंने पूरे साल में स्पेकुलेशन की है और जो ट्रांजैक्शंस हैं टोटल 50 करोड़ से ऊपर है, उनकी डिटेल मांग रहे हैं। सो रिक्वायर एनी डीलर, ब्रोकर, एजेंट, डायरेक्टर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कमोडिटी एक्सचेंज टू फर्निश स्टेटमेंट्स ऑफ नेम एड्रेसेस ऑफ ऑल पर्संस हु हैव सोल्ड द शेयर्स कमोडिटीज या फिर डिटेल्स ऑफ दोज पर्संस हु हैव परचेज द शेयर्स एंड कमोडिटीज। डी और ई यूज करते हैं प्रैक्टिकली। एफ बहुत वाइड है, एफ बहुत वाइड है, ये सबसेक्शन नंबर आपको याद करना है। इस पर अमेंडमेंट आई थी मोर देन 25 इयर्स बैक, 1995 में अमेंडमेंट आई थी 133(6) में, और आज भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। देखते क्या है। तो 133 में से ए बी सी डी ई सब हटा दें, कोई दिक्कत नहीं, एफ बहुत वाइड है, एफ बहुत वाइड है। एक काम करिएगा, जो क्लॉज एफ पढ़ेंगे ना, वहां इंक्वायरी और वर्ड मत पढ़िएगा। ये जो वर्ड है इंक्वायरी और ये वर्ड मत पढ़िएगा। रिक्वायर एनी पर्सन, रिक्वायर एनी पर्सन इंक्लूडिंग अ बैंकिंग कंपनी और एनी ऑफिसर देयर ऑफ टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन और टू फर्निश स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस मैटर्स विच विल बी यूजफुल फॉर और रेलेवेंट टू एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। तो किसी भी पर्सन से रिक्वायर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग बैंक मैनेजर, कि हमें इंफॉर्मेशन दीजिए, अकाउंट्स दीजिए, स्टेटमेंट अकाउंट दीजिए, गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस मैटर्स which will be useful for or relevant to any proceeding under the income tax act. सुनिए क्या हुआ। एक कार्ड होता है क्रेडिट कार्ड, डाइनर्स क्लब। द
जितने भी इंडिया के रिचेस्ट पीपल हैं वो होल्ड करते हैं, डायनर्स क्लब कार्ड मेरे पास नहीं है। सो गवर्नमेंट ने देखा कि लोग क्या कर रहे थे, डाइनर्स क्लब कार्ड से यूज करते थे होटल्स में, लैक्स ऑफ रुपीज स्पेंड करते थे और फिर यहां कैश जमा कर देते थे ताकि पकड़ा ना जा सके। और डाइनर्स क्लब वॉज नोन फॉर इट्स सीक्रेसी। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1336 में लेटर भेजा डाइनर्स क्लब को कि जितने भी मेंबर्स ने 50,000 और मोर कैश जमा किया है उनकी हमें डिटेल दीजिए। सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डाइनर्स क्लब को 1336 में लेटर भेजा कि जितने लोगों ने, जितने मेंबर्स ने आपके, जितने क्रेडिट कार्ड होल्डर्स ने 50,000 और मोर कैश जमा किया है उनकी हमें डिटेल दीजिए। डाइनर्स क्लब ने डिटेल देने से मना कर दिया। डाइनर्स क्लब ने कहा लॉ में लिखा है आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं ऑन वेरियस मैटर्स विच विल बी यूजफुल फॉर और रेलेवेंट टू एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। डाइनर्स क्लब ने कहा कि आप हमसे इंफॉर्मेशन उन मेंबर्स के लिए मांग सकते हैं जिसकी प्रोसीडिंग आप वह पेंडिंग है। तो हमें बताइए कौन से मेंबर्स की प्रोसीडिंग पेंडिंग है आपके पास, किस सेक्शन में पेंडिंग है, हम डिटेल दे देंगे आपको। सो डाइनर्स क्लब ने डिटेल देने से मना कर दिया। डाइनर्स क्लब ने कहा कि लॉ कहता है आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं ओनली फॉर द मेंबर्स जिसकी प्रोसीडिंग पेंडिंग है। एओ ने डाइनर्स क्लब को परेशान करना शुरू कर दिया। डाइनर्स क्लब रिट पेटिशन के थ्रू हाई कोर्ट पहुंच गया और कहा कि हमें हैरेस किया जा रहा है, हमसे इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है और ये इंफॉर्मेशन नहीं देंगे हम। और कोर्ट्स ने कहा कि डाइनर्स क्लब बिल्कुल सही कह रहा है क्योंकि लॉ में लिखा है कि आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं सिक्स में। देखिए ना, बाकी जो क्लॉसेस है वो तो बड़ा लिमिटेड स्कोप है वहां पर, कि रेंट के बारे में किसके आप एजेंट हैं, रेंट की डिटेल मांग रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज डिटेल मांग रहे हैं। मेन पावर तो क्लॉज एफ में है जहां कुछ भी डिटेल मांग सकते हैं आप, कुछ भी डिटेल मांग सकते हैं। और यहां कोर्ट्स ने कहा कि आप इंफॉर्मेशन वही मांग सकते, उस असेसिंग पर मांग सकते हैं जिसका केस पेंडिंग हो। आप देखिए इस तरह के कोर्ट जजमेंट्स आने से क्या हुआ, 1336 की पावर बहुत लिमिटेड हो गई एंड देयरफॉर गवर्नमेंट ने लॉ अमेंड किया और कहा, एक छोटा सा वर्ड ऐड किया, इंक्वायरी, रिक्वायर एनी पर्सन इंक्लूडिंग अ बैंकिंग कंपनी और एनी ऑफिसर देयर ऑफ टू फर्निश इंफॉर्मेशन, फर्निश स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस मैटर्स विच बी यूजफुल फॉर और रेलिवेंट टू एनी इंक्वायरी और प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट। सो 1995 में इन्होंने अमेंडमेंट की कि हम इंक्वायरी करने के लिए भी 1336 दे सकते हैं, बट ये लिखा गया कि अगर केस पेंडिंग नहीं है और इंक्वायरी कर रहा है एओ तो उसे 1336 इशू करने के लिए सीआईटी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। देखिएगा, सो यहां अमेंडमेंट आई कि आप रिक्वायर कर सकते हैं एनी पर्सन इंक्लूडिंग बैंकिंग कंपनी और एनी ऑफिसर देयर ऑफ टू फर्निश इंफॉर्मेशन और फर्निश स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस मैटर्स विच विल बी यूजफुल फॉर और रेलेवेंट टू एनी इंक्वायरी, इंक्वायरी करने के लिए भी ले सकते हैं या फिर प्रोसीडिंग पेंडिंग उसके लिए भी कर सकते हैं। दिस पावर कैन ऑल्सो बी एक्सरसाइज बाय चीफ सीआईटी एंड सीआईटी प्रोवाइडेड, कहीं ईओ मिसयूज ना कर जाए, इसलिए इन्होंने कहा कि अगर प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, आप इंक्वायरी करने के लिए 1336 इशू कर रहे हैं तो ईओ जो है प्रायर अप्रूवल लेगा कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की,
provided at the power in respect of an inquiry in case where no proceeding is pending, shall not be exercised by an income tax authority below the rank of commissioner without the approval of commissioner. Below the rank of commissioner कौन होता है? AOs. So अगर inquiry करना चाहता है AO, proceeding pending नहीं है, तो उसे prior approval लेनी पड़ेगी अपने CID. देखिएगा, ये अमेंडमेंट 95 में आई थी, बट आज भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है इस पर. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज पावर टू आस्क वेरियस इंफॉर्मेशन अंडर 133. ये कोर्ट्स का व्यू पॉइंट है, कोर्ट्स ने क्या कहा था. दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स देम टू डिटेक्ट टैक्स इवेशन एंड वाइडन द टैक्स बेस. The courts have held that information which can be asked for under 133(6) should be such which in the opinion of income tax authority will be useful for or relevant to any proceeding under this act. In absence of any such proceedings, the department cannot ask for this information. The courts held that the reference to any proceeding under this act would mean a proceeding which is in existence at the material time when the information is asked for. Courts ne kaha wo information lekar aap proceeding launch karenge, wo nahi maninga proceeding. It cannot mean any contemplated or future proceedings. The power under 133 can be exercised with reference to a proceeding which is in existence. This power cannot be exercised to gather information on the basis of his department will decide whether to institute a proceeding or not. When income tax department asks diners club to supply them the names and addresses of the persons who have incurred expenditure above 50,000, diners club refused to give the details since there was no proceeding pending against the members under the income tax act. The high court held that the income tax department cannot take such information from diners club since no proceeding were pending against the members of Diners Club. This view has been overruled by Finance Act 95. 25 saal se upar ho gaye hain. Now to overrule the above judgments, it has been provided that income tax authorities are empowered to call for any information which will be useful for or relevant to any inquiry. Inquiry karne ke liye le sakte hain. Or proceeding under the Income Tax Act in case of any person. However, an income tax authority below the rank of commissioner, yani AO agar mangna chahta hai, can exercise this power in respect of an inquiry in case where no proceeding is pending only with the prior approval of commissioner. Ek aur amendment aayi, jo joint director hai, डिप्टी डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है जो मिनिस्ट्री में बैठता है, यह इंक्वायरी करने के लिए भी 133(6) इशू कर सकता है और इसे किसी की अप्रूवल नहीं लेनी. एज पर द फाइनेंस एक्ट 17, द जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर कैन एक्सरसाइज द पावर इन रिस्पेक्ट द इंक्वायरी in case where no proceeding is pending even without the approval of the CID. To upar dekhiye, finance act 17 ne kaha JD, joint director, deputy director, assistant director can exercise the power in respect of an inquiry in case where no proceeding is pending even without the prior approval of the commissioner. अच्छा, जो DTA में information मंगाते हैं, 131 का समन भेज के मंगा सकते हैं और 133(6) भेज के मंगा सकते हैं. Normally 133(6) ही भेजते हैं. Provided also that for the purpose of an agreement referred in section 1990A, an income tax authority notified under 131(2) may exercise all the powers conferred under this section, notwithstanding that no proceedings are pending before it or any income tax authority.
सो फॉरेन गवर्नमेंट से भी इंफॉर्मेशन चाहिए डीटीए में, आप 1336 एओ यूज कर सकता है। ओके एक मिनट दिखाता हूं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं आपको। पेज 172 पे देखिएगा, अभी ये सॉरी सर्वे भी हमने करना है, सर्वे भी करना है हमने। पेज 173 क्वेश्चन 6 देखिएगा, एग्जामिन एंड स्टेट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट as to the correctness of the following actions of the income tax authorities. The EO issued notices under 133 to four banks requiring particular relating to a customer with a specific format duly verified in prescribed manner. One of the banks refused to part with the information on the ground that the letter did not specify about any proceeding pending against the said customer under the Income Tax Act. So proceeding pending only must nahi hai. Only thing is ki EU should have taken the approval of the CIT in case the proceeding was not pending. Okay. पेज 164 पर आइए। एक बार क्या हुआ, होटल रेडिसन का मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंड किया रात को 1 बजे। सो फ्लाइट थी दिल्ली हैदराबाद, सो हैदराबाद एयरपोर्ट पर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रेडिसन मेड अ लैंडिंग। इसके सूट केस में कस्टम वालों ने इंटरसेप्ट कर लिया, 4 करोड़ का कैश मिला और रात को 1 बजे ही कस्टम वालों ने इनकम टैक्स वालों को बुला लिया एयरपोर्ट पर। अब इससे पूछा गया कि आपके पास ये कैश कहां से आया, इसने कहा जी मैं आज, दैट इज टुडे मॉर्निंग में जो मॉर्निंग आने वाली है, मैं अपने होटल के लिए एक नया होटल बना रहा हूं उसके लिए लैंड खरीदने आया हूं और ये कैश मैंने दिल्ली में विड्रॉ किया था अपने बैंक अकाउंट से रेडिसन के। तो अब देखिए रात को 1 बजे MD बोल रहा है कि मैंने मॉर्निंग में रेडिसन दिल्ली के बैंक अकाउंट से 4 करोड़ विड्रॉ किया था और मैं ये लेके आया हूं ताकि हैदराबाद में लैंड परचेस करके बयाना दे सकूं। अब इनकम टैक्स वालों को चेक करना था कि क्या ये MD सच बोल रहा है या नहीं। उन्होंने पावर यूज की 133B। 133B में इनकम टैक्स वाले आपके प्रेमिसेस में एंटर करेंगे, कुछ भी हाथ नहीं लगाएंगे, कुछ भी काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ आपसे इंफॉर्मेशन मांगेंगे और इंफॉर्मेशन लेके चले जाएंगे। 133B पावर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन,
एन इनकम टैक्स अथॉरिटी मे फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग एन इंफॉर्मेशन विच मे बी यूजफुल फॉर और रेलिवेंट टू द पर्पस ऑफ दिस एक्ट एंटर एनी बिल्डिंग प्लेस ऑक्यूपाइड बाय एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हूम ही एक्सरसाइजेस जुरिस्डिक्शन एट विच अ बिजनेस और प्रोफेशन इज कैरिड ऑन. तो इस सेक्शन में आपके घर में एंटर नहीं कर सकते. तो देखिए 131 होता है जहां सिर्फ आपकी इंस्पेक्शन करने आते हैं. 133 में आपको नोटिस भेज के आपसे इंफॉर्मेशन मंगाते हैं, आप ईमेल के थ्रू जवाब दे दीजिए. अब यह है कि यहां डिपार्टमेंट का ऑफिसर आपके प्रेमिसेस में एंटर करेगा, घर में एंटर नहीं कर सकता. सिर्फ कौन से प्रेमिसेस? जहां पर बिजनेस प्रोफेशन कैरी किया जा रहा है. एन इनकम टैक्स अथॉरिटी मे फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग एन इंफॉर्मेशन विच मे बी यूजफुल फॉर और रेलिवेंट टू द पर्पस ऑफ दिस एक्ट एंटर एनी बिल्डिंग प्लेस ऑक्यूपाइड बाय एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हूम He exercises jurisdiction at which business or profession is carried on. Whether such place be the principal place of business or not, and require any proprietor, employee, or other person who may at that time and place be attending in any manner to or helping in carrying on such business profession to furnish the prescribed information. तो AO रात को 1 बजे होटल रेडिसन में एंटर किया और जो रिसेप्शन पर वो बैठा था जनरल मैनेजर जो भी मतलब बंदा, उससे इंफॉर्मेशन मांगी कि बताइए सुबेरे 4 करोड़ विड्रॉ हुआ था या नहीं. द इनकम टैक्स अथॉरिटी मे एंटर एनी प्लेस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन only during the hours at which such place is open for conduct of business profession. मैं अभी एक क्वेश्चन करते करते रह गया था, उसमें यह था, ये कह रहे हैं कि 133B में इनकम टैक्स अथॉरिटी आपके प्रेमिस में एंटर कर सकती है ओनली ड्यूरिंग द आवर्स एट विच सच प्लेस इज ओपन फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस. रात को 1 बजे एंटर कर सकते हैं? यस. 5-star होटल तो 24 आवर्स ओपन होता है. 5-star होटल में रात को आप 2 बजे 3 बजे चेक इन करिए, चेक इन कराते हैं आपको. सो 5-star होटल तो 24 आवर्स ओपन होता है कंडक्ट के लिए, बिजनेस कंडक्ट करने के लिए. एंड देयरफॉर ईओ इज करेक्ट. अच्छा, नंबर 2 कह रहे हैं कि यहां इस सेक्शन में कुछ भी टच नहीं करेगी. आप ये नहीं कह सकते मैं कैश गिनना चाहता हूं, स्टॉक चेक करना चाहता हूं, किताबें ले जाना चाहता हूं, कुछ नहीं. आप सकेंगे जी हमें इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि सुबेरे 4 करोड़ बैंक से विड्रॉ हुआ था. द इनकम टैक्स अथॉरिटी शैल ऑन नो अकाउंट रिमूव और कॉस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द बिल्डिंग और प्लेस वेयर इन ही हैज एंटर्ड एनी बुक्स ऑफ अकाउंट अदर डॉक्यूमेंट्स कैश स्टॉक वैल्यूएबल आर्टिकल. कुछ भी रिमूव नहीं कर सकते, कैश वैल्यूएबल आर्टिकल स्टॉक कुछ भी टच नहीं करेंगे, ना ही कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स रिमूव करेंगे. सिर्फ आपसे इंफॉर्मेशन मांगेंगे, आप दे दीजिए, लेके चले जाएंगे. इनकम टैक्स अथॉरिटी मींस AO एंड इंक्लूड्स एन इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स हु इज सो ऑथराइज्ड बाय द AO. तो इस सेक्शन में एक्ट कर सकता है कौन? AO एंड इंस्पेक्टर्स ऑफ इनकम टैक्स ऑथराइज्ड बाय द AO. अब करते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग सेक्शन 133 सर्वे. सर्वे में क्या होता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम आपके प्रेमिसेस में एंटर कर जाएगी, फिजिकली एंटर कर जाएगी. सर्वे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम आपकी प्रेमिसेस में फिजिकली एंटर करेगी.
और आपसे कहेगी हम आपका कैश काउंट करेंगे, आपका स्टॉक काउंट करेंगे और फिर इसे कंपेयर करेंगे विद कैश इन बुक्स, स्टॉक इन स्टॉक रजिस्टर। तो देखिए, जो लोग नंबर दो की सेल करते हैं, मतलब अनअकाउंटेड प्रोडक्शन है उसको बेचते हैं, वहां बुक्स में कैश होगा 1 लाख, दुकान पे कैश मिलेगा 50 लाख। तो सर्वे पार्टी आपका कैश गिनती है और उसे कंपेयर करती है विद कैश इन बुक्स। नंबर टू स्टॉक गिनती है, स्टॉक आपके यहां मिला 1 लाख यूनिट्स, लेट्स से 90,000 यूनिट्स, और बुक्स में है सिर्फ 9,000 यूनिट, यानी आप नंबर दो की प्रोडक्शन करते हैं, यानी इनकम छिपाते हैं आप। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ये केस, आप 147 में खोल देंगे, ये केस आपका 147 में खोल देंगे। हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, शायद 10 साल तक खोल सकते हैं ये लोग, अभी बात नहीं करते हैं। तो देखिए, मैं एब्रप्टली 143-144 के बाद शुरू हो गया इनकम टैक्स अथॉरिटी सर्वे, कोई रीजन है क्योंकि जो नया 147 आया है उसमें ये सब बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो सर्वे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके प्रेमिसेस में एंटर करता है और सिर्फ एंटर कर सकता है उन प्रेमिसेस में जहां आप बिजनेस प्रोफेशन कैरी ऑन कर सकते करते हैं, और दो ही चीजें काउंट करते हैं प्रैक्टिकली, कैश एंड स्टॉक। सो कैश काउंट किया 50 लाख आया, बट बुक्स में कैश आ रहा 1 लाख। आप असेसी से बोलेंगे अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर कि हमने तेरे सामने कैश गिना, 50 लाख कैश है, बुक्स में सिर्फ 1 लाख कैश है। असेसी से कहेंगे स्टेटमेंट साइन कर कि स्टॉक मिला 90,000 जबकि आपकी बुक्स में स्टॉक है सिर्फ 9,000। असेसी साइन करने से मना करेगा, वो सब देखेंगे। बट सर्वे में आपके प्रेमिसेस में एंटर करते हैं जहां बिजनेस प्रोफेशन कैरी कर रहे हैं। जो स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, क्या ये बिजनेस माना जाता है? होता तो बिजनेस है बट इसे बिजनेस नहीं मानता लॉ, इसे लॉ चैरिटेबल एक्टिविटी मांगता है। हम पढ़ेंगे सेक्शन 11-12 में कि स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ये माना जाता है ये बिजनेस नहीं कर रहे, ये क्या कर रहे हैं? चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो पहले स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल में सर्वे नहीं कर सकते थे बिकॉज सर्वे कर सकते थे ओनली एट अ प्लेस वे आर बिजनेस प्रोफेशनल्स कैरिड ऑन। इन्होंने अमेंडमेंट कि हम सर्वे कर सकते हैं इवन एट अ प्लेस वे आर चैरिटेबल एक्टिविटीज कैरिड ऑन, यानी अमेंडमेंट के बाद स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स का भी सर्वे हो सकता है, करते हैं। इनफैक्ट आपने देखा होगा मेन बंगलिंग यही लोग करते हैं, स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स बच्चों से इतना पैसा खींचते हैं, बस का फंड, चाइल्ड डेवलपमेंट फंड और क्या नाम, प्लेग्राउंड फंड, हजारों फंड्स बना लेते हैं। तो अब इन्होंने पावर ले ली कि हम प्रेमिसेस में एंटर करके सर्वे करेंगे आपका। सो चैरिटेबल एक्टिविटी जहां कैरी हो रही है वहां अमेंडमेंट आ गई, वहां पर भी सर्वे कर सकते हैं, बट जहां रिलीजियस एक्टिविटी कैरी ऑन हो रही है वहां सर्वे नहीं कर सकते,
यानी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इनका सर्वे नहीं हो सकता है। सो अमेंडमेंट आई कि सर्वे कर सकते हैं एक ऐसे प्लेस का जहां बिजनेस प्रोफेशन कैरी ऑन होना है, या फिर एक ऐसी प्लेस का जहां चैरिटेबल एक्टिविटी कैरी ऑन हो रही है। देखिएगा, यहां फिजिकल एंट्री करता डिपार्टमेंट, सर्वे, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, एन इनकम टैक्स अथॉरिटी मे एंटर एनी बिल्डिंग, एनी प्लेस ऑक्यूपाइड बाय एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम ही एक्सरसाइजेस ज्यूरिसडिक्शन। पहले यहां लिखा होता था क्या, एट विच बिजनेस और प्रोफेशनल्स कैरिड ऑन एंड रिक्वायर एनी प्रोप्राइटर, एम्प्लॉय और एनी अदर पर्सन हु मे एट दैट टाइम एंड प्लेस बी अटेंडिंग इन एनी मैनर टू और हेल्पिंग इन द कैरिंग ऑफ सच बिजनेस प्रोफेशन। तो पहले सिर्फ सर्वे कर सकते थे एक ऐसे प्लेस का जहां बिजनेस प्रोफेशन कैरी ऑन हो रहा है। ये डिलीट हो गया सारा, डिलीट मोड। अब पढ़ेंगे हम अमेंडेड लॉ, अमेंडेड लॉ इज इन बोल्ड, ऊपर से पढ़ते हैं। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, एन इनकम टैक्स अथॉरिटी मे एंटर एनी बिल्डिंग और प्लेस ऑक्यूपाइड बाय एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम ही एक्सरसाइजेस ज्यूरिसडिक्शन एट विच अ बिजनेस और प्रोफेशन या फिर एक्टिविटी फॉर चैरिटेबल पर्पसेस कैरिड ऑन, वेदर सच प्लेस बी द प्रिंसिपल प्लेस और नॉट ऑफ सच बिजनेस प्रोफेशन और सच एक्टिविटी फॉर चैरिटेबल पर्पसेस एंड रिक्वायर एनी प्रोप्राइटर, ट्रस्टी, एम्प्लॉय और द पर्सन हु मे एट दैट टाइम एंड प्लेस बी अटेंडिंग इन एनी मैनर और हेल्पिंग इन कैरिंग ऑन सच बिजनेस और प्रोफेशन और एक्टिविटी ऑफ चैरिटेबल नेचर टू डू दिस थिंग्स। स्कूल्स के केस में आपकी बुक्स एग्जामिन करते हैं कि आप बच्चों से किस किस तरह से पैसा ले रहे हैं, उनके पेरेंट्स से किस तरह से पैसा ले रहे हैं, और क्या 11-12 की एग्जामिशन आपको बनती है और सही क्लेम कर रहे हैं या नहीं, 11-12 की कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। तो सर्वे में इन्होंने पावर ले ली, पहले पावर थी सिर्फ एंटर कर सकते थे वो प्लेस ऑफ बिजनेस, वो प्लेस जहां बिजनेस प्रोफेशन कैरी ऑन होता है। नाउ द इनकम टैक्स अथॉरिटी कैन ऑल्सो एंटर द प्लेस वेयर एनी एक्टिविटी ऑफ चैरिटेबल नेचर इज कैरिड ऑन। हम पढ़ेंगे योगा इज चैरिटेबल एक्टिविटी, योगा इज चैरिटेबल एक्टिविटी एंड देयरफॉर बाबा रामदेव के आश्रम में भी एंटर कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ चैरिटेबल पर्पस। हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट जब आप करेंगे रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। तो देखिए, अमेंडमेंट के बाद भी रिलीजियस प्लेस में नहीं सर्वे कर सकते और बिजनेस जहां बिजनेस प्रोफेशन कैरी ऑन हो रहा है या फिर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल में एंटर करके जो वहां एम्प्लॉयज हैं, ट्रस्टी हैं और लोग प्रेजेंट हैं, उनसे क्या मांगेंगे, टू अफोर्ड हिम द नेसेसरी फैसिलिटी टू इंस्पेक्ट सच बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट्स एज ही मे रिक्वायर एंड विच मे बी अवेलेबल एट सच प्लेस। सो आपसे कहा जाएगा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं आपकी, कैश बुक, बैंक बुक, लेजर, वो हमें दीजिए, हम एग्जामिन करना चाहते हैं। टू अफोर्ड हिम द नेसेसरी फैसिलिटी, टू अफोर्ड हिम द नेसेसरी फैसिलिटी टू चेक और वेरीफाई द कैश, स्टॉक, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल ऑफ थिंग फाउंड देयर इन। तो एक तो आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट, स्टॉक लेजर,
कैश बुक, ये सब ले लेते हैं एग्जामिन करने के लिए। नंबर टू कहते हैं हम फिजिकली चेक करेंगे, काउंट करेंगे कैश स्टॉक वैल्यूबल आर्टिकल थिंग जो वहां पर है। और टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन एज ही मे रिक्वायर ऑन एस एनी मैटर विच मे बी यूजफुल फॉर और रेलिवेंट टू एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। तो एम्प्लॉयज से वेरियस इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, जैसे स्कूल वाले से पूछ सकते हैं एम्प्लॉय से कि आप बच्चों से फीस में क्या क्या कंपोनेंट लेते हैं, कौन कौन से फंड लेते हैं, जो स्कूल बस फीस है क्या एक्चुअल बेसिस पे लेते हैं या एड ऑन करके लेते हैं। सो लाइक दैट इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं विच मे रिक्वायर एज ही मे रिक्वायर एज टू एनी मैटर विच विल बी यूजफुल फॉर और रेलिवेंट टू एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। अभी हम लॉ में पढ़ेंगे, लॉ कहता है कि प्रोसीडिंग मतलब पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब पेंडिंग होनी जरूरी नहीं है। सो इट्स इज फर्निश सच इंफॉर्मेशन एज मे बी एज ही मे रिक्वायर एज टू एनी मैटर विच मे बी यूजफुल फॉर और रेलिवेंट टू एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। इन्होंने क्लैरिफाई किया कि इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोसीडिंग पेंडिंग होना चाहिए सर्वे के टाइम पर। देखिएगा पेज 167 एट द बॉटम एक्सप्लेनेशन टू 133 ए प्रोसीडिंग का मतलब देखिए क्या है। प्रोसीडिंग मीन्स एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ईयर विच मे बी पेंडिंग ऑन द डेट ऑन विच द पॉवर्स अंडर दिस सेक्शन आर एक्सरसाइज और विच मे हैव बीन कंप्लीटेड ऑन और बिफोर सच डेट एंड इंक्लूड्स ऑल्सो ऑल प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट विच मे बी कमेंस्ड आफ्टर सच डेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ईयर। तो जो प्रोसीडिंग पेंडिंग है वो भी पेंडिंग मानी जाएंगी, प्रोसीडिंग कंप्लीट हो चुके हैं उसे भी हम पेंडिंग मानेंगे और जो प्रोसीडिंग शुरू होंगी सर्वे के बाद उसे भी हम प्रोसीडिंग पेंडिंग मानेंगे। ओके वापस आइए पेज 166 पर। आप सर्वे कर सकते हैं कहां पर, बिजनेस प्रोफेशन जहां कैरी ऑन हो रहा है, जहां चैरिटेबल एक्टिविटी कैरी ऑन हो रही है। आप सर्वे होता है शॉप पर, पूछा जाता है किताबें का है, असासी कहता है किताबें मेरे घर पर है, असासी कहता है किताबें मेरे घर पर है। सर्वे होता है स्कूल में, स्कूल के एम्प्लॉयज कहते हैं जी किताबें ट्रस्टी ले गई अपने घर। तो अभी आपने पढ़ा कि हम सर्वे कर सकते हैं एट द प्लेस एट विच बिजनेस प्रोफेशन और एक्टिविटी ऑफ चैरिटेबल पर्पसेस कैरिड ऑन। यहां इन्होंने अमेंडमेंट कि अगर आपके बिजनेस प्रेमिसेस में हमने सर्वे किया और असेसी या उसके एम्प्लॉय कहते हैं किताबें असेसी के घर पे रखी हुई हैं, डायरेक्टर के घर पे रखी हुई हैं, तो हम डायरेक्टर के घर का भी सर्वे कर लेंगे। इसी तरह स्कूल पे सर्वे हुआ और स्कूल के एम्प्लॉयज कहते हैं जी किताबें ट्रस्टी ले गया अपने घर, तो हम ट्रस्टी के घर का भी सर्वे कर लेंगे। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन अ प्लेस वेयर बिजनेस प्रोफेशन और एक्टिविटी फॉर चैरिटेबल पर्पस इज कैरिड ऑन शैल ऑल्सो इंक्लूड एनी अदर प्लेस whether any business or profession or activity for charitable purpose is carried on therein or not, in which the person carrying on the business or profession or activity of charitable purpose states that any of the books of accounts, other documents or part of his cash, stock, valuable article, thing relating to business profession or एक्टिविटी ऑफ शेड्यूल नेचर इज और कैप्ट। तो पहले ये इन्होंने कहा कि हम सर्वे कर सकते हैं एट द प्लेस वेयर बिजनेस प्रोफेशन इज कैरिड ऑन और प्लेस वेयर एक्टिविटी ऑफ चैरिटेबल नेचर इज कैरिड ऑन। एक्सप्लेनेशन डाली कि हम दूसरी जगह का भी सर्वे कर सकते हैं, जैसे कि डायरेक्टर का घर
असेसी का घर, ट्रस्टी का घर। अगर असेसी कहता है कि बुक्स मेरे प्लेस ऑफ बिजनेस में नहीं है, मेरे घर पर है, डायरेक्टर के घर पर है। स्कूल कहता है कि बुक्स दुकान में नहीं, सॉरी स्कूल में नहीं है, ट्रस्टी के घर है। सो उस केस में दूसरा जो प्लेस कह रहे हैं आप, जहां आप कह रहे हैं कि किताबें रखी हुई हैं, कैश वगैरह रखा हुआ है, उसे अब हम सर्वे कर सकते हैं। टू, एन इनकम टैक्स अथॉरिटी में एंटर, एंटर 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 एनी प्लेस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन रेफर्ड अबव ओनली ड्यूरिंग द आवर्स एट विच सच प्लेस इज ओपन फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन एंड इन केस ऑफ एनी द प्लेस ओनली आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट। तो बिजनेस प्रोफेशन जहां कैरी ऑन हो रहा है वहां तो आप एंटर कर सकते हैं ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। बिजनेस आवर्स हर मार्केट में स्पेसिफाइड होते हैं, और एनी अदर प्लेस, एनी अदर प्लेस का मतलब क्या हुआ, रेजिडेंस वेयर असेसी स्टेट्स बुक्स आर कैप्ट। बताइए स्कूल कॉलेज में कब एंटर कर सकते हैं, वहां तो बिजनेस होता नहीं है, वहां आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट। आपके यहां बारिश हो गई, सन निकला नहीं, देखिए बारिश होने से सन नहीं निकलता ऐसा नहीं होता, वो तो क्लाउड्स बीच में आ जाते हैं। आप गूगल पे टाइप करके देखिएगा सनराइज सनसेट टुडे, आपको डेली का मिलेगा। तो स्कूल कॉलेज में एंटर कर सकते हैं आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट। फाइव स्टार होटल में कब एंटर कर सकते हैं, 24 आवर्स, बिकॉज फाइव स्टार होटल इज ओपन फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस 24 आवर्स अ डे। बताइए बिजनेस आवर्स हैं 10 से 6, पांच बजे एंटर कर गए, क्या रात को 2 बजे एग्जिट कर सकते हैं? यस, लॉ एग्जिट के टाइम की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एंट्री शुड बी ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, एंट्री शुड बी बिफोर आफ्टर सनसेट, आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट, एग्जिट कुड बी एट एनी टाइम, एग्जिट कैन बी एट एनी टाइम। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी में एंटर एनी प्लेस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन रेफर्ड अबव ओनली ड्यूरिंग द आवर्स एट विच सच प्लेस इज ओपन फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड इन केस ऑफ अदर प्लेसेस लाइक चैरिटेबल प्लेस या फिर घर ओनली आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट। ओके, ये जो पढ़ने जा रहे हैं ये है सेक्शन 133(2)(a). जहां आपका टीडीएस टीसीएस सर्वे किया जाएगा, तो सर्वे पार्टी आके देखेगी कि किन पेमेंट्स पर आपको टीडीएस काटना चाहिए था, आपने नहीं काटा, या काटा हुआ है, गलत काटा हुआ है, या गलत सेक्शन में काटा हुआ है, या देर से काटा है, या काट के जमा नहीं किया, वो सब रिपोर्ट बनाएगी अपनी। सो अभी तक इनकम टैक्स सर्वे होता था,
जहां इनकम चेक की जाती थी, इन द सेंस स्टॉक कितना है, कैश कितना है, वो सब चेक किया जाता था। अब इन्होंने एक नया सबसेक्शन डाल दिया 133A2A TDS TCS सर्वे, जहां आपका TDS TCS सर्वे किया जाएगा विदाउट प्रेजुडिस टू प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन वन। तो सबसेक्शन वन में जो लिखा हुआ है कि हम इनकम टैक्स सर्वे कर सकते हैं, उसको हम नहीं छेड़ रहे, उसका हम नुकसान नहीं पहुंचा रहे, वो तो कर ही सकते हैं विदाउट प्रेजुडिस टू प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन वन। An income tax authority acting under this subsection may, for the purpose of verifying that tax has been deducted, collected at source in accordance with the provision of this act, enter. और यहां कब enter कर सकती है? After sunrise, before sunset. Any office or other place where business profession is carried on, occupied by any assessee, in respect of whom he exercises jurisdiction, where books of accounts or documents are kept, and require the deductor, collector, or any other person who may at that time and place be attending in any manner to such work, to afford him the necessary facility to inspect such books of account, other documents, as he may require and which may be available at such place, and furnish such information as he may require in relation to such matter. ध्यान से देखिए, TDS TCS सर्वे हो सकता है only in case you are carrying on business profession, charitable activity carry कर रहे हैं तो TDS TCS सर्वे possible नहीं है। देखिए यहां पर कह रहे जहां बिजनेस प्रोफेशन कैरी ऑन हो रहा है, सो टीडीएस टीसीएस सर्वे इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। टीडीएस टीसीएस सर्वे में सर्वे पार्टी एंटर करेगी बिफोर सनसेट, आफ्टर सनराइज। सर्वे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, कैश, ज्वेलरी कुछ भी सीज नहीं कर सकता। सो सर्वे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, कैश, ज्वेलरी कुछ भी सीज नहीं कर सकता। बट इन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से देखा क्या होता था, कैश मिला 10 करोड़, बुक्स में कैश है 10 लाख, ठीक है। अब ना तो कैश सीज कर सकते थे, ना बुक्स सीज कर सकते थे, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसी को बोलता था लिख के दे मुझे कि बुक्स में कैश 10 लाख था, मिला मेरे पास 10 करोड़। असेसी कहता था लिखवा लीजिए मुझसे, लिखवा लीजिए। और जैसे ही क्या नाम डिपार्टमेंट चला गया, असेसी ने बुक्स डिस्ट्रॉय कर दी, बुक्स डिस्ट्रॉय कर दी। और इंडिया में एक बार एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाए तो कुछ नहीं हो सकता, एंड देयरफॉर सर्वे में इन्होंने अमेंडमेंट की कि हम सर्वे में बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट सीज कर सकते हैं। सो सर्वे में बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट सीज कर सकते हैं, कैश वाली सीज नहीं कर सकते। तो सर्वे में इन्होंने अमेंडमेंट की कि सर्वे में वी कैन सीज इंपाउंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, बट टीडीएस टीसीएस सर्वे में ये नहीं कर सकते। तो अगर नॉर्मल इनकम टैक्स सर्वे है तो ये सीज कर सकते हैं, ये तो सीज कर ही नहीं सकते।
और अगर टीडीएस टीसीएस सर्वे है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट सीज नहीं कर सकते। देखिएगा सबसेक्शन 3 के ऊपर लिखिए, सबसेक्शन 3 के ऊपर लिखिए पावर्स ऑफ आईटी अथॉरिटी ड्यूरिंग सर्वे। चलिए काम करते हैं, थोड़ा जल्दी ब्रेक कर लेते हैं बिकॉज आई हैड माई वैक्सीनेशन टुडे, सेकेंड वैक्सीनेशन, तो थोड़ा अनइजी फील कर रहा हूँ। सो लेट्स हैव अ ब्रेक एट अर्ली टाइम टुडे। आज क्लास भी हम थोड़ा आधा घंटे पहले छोड़ देंगे। लर्निंग डेस्टिनेशन विद कंटेंट पार्टनर पैकर प्रेजेंट्स द सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्रोग्राम CMA। बी अ पार्ट ऑफ द चेंज। लाइव ऑनलाइन एंड रिकॉर्डेड क्लासेस। कॉन्टैक्ट CMA@VGLDI.com। Who doesn't want to give wings to their career? But only if... Employers across the globe. ACCA is a trusted qualification for skilled professionals. With no aggregation, no grouping, and with exams every quarter, ACCA ensures faster progression in your career. Can we please start the class? हम पेज 166 पर थे, सबसेक्शन 3 के ऊपर आपने लिखा था पावर्स ऑफ आईटी अथॉरिटी ड्यूरिंग सर्वे। पहले सर्वे में आपके बुक्स सीज नहीं कर सकते थे, सिर्फ फोटोकॉपीज करा सकते थे और आपके उस पर साइन करवाते थे। तो क्या देखा गया, असेसी कहता था ये फोटोकॉपी मेरी किताबों की है ही नहीं, ये सिग्नेचर इन्होंने मुझसे जानबूझ फोर्सफुली करा लिए थे, सिग्नेचर मेरे है ही नहीं, तो इस तरह की बातें करता था। इसलिए इन्होंने अमेंडमेंट की कि सर्वे में हम किताबें डॉक्यूमेंट सीज कर सकते हैं, हाँ कैश ज्वेलरी सीज नहीं कर सकते।
कैश ज्वेलरी सीज कर सकते हैं ओनली इन केस ऑफ सर्च एंड सीजर, जो आप नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे. एन इनकम टैक्स अथॉरिटी एक्टिंग अंडर दिस सेक्शन मे, इफ ही सो डीम्स नेसेसरी, प्लेस मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट अदर डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्टेड बाय हिम एंड मेक और कॉस्ट वी मेड एक्सटेक्ट्स और कॉपीज देयर फ्रॉम. और क्या होता था, बुक्स ही चेंज कर दी जाती थी, फोटो कॉपीज क्या था, कहा जाता था हमारी किताबों की है ही नहीं है, इसलिए इन्होंने अमेंडमेंट की. सो पहले लॉ था कि आप सिर्फ अपने इनिशियल्स कर सकते हैं बुक्स पर और उनकी कॉपीज ले सकते हैं. वन ए नहीं था पहले, वन ए नहीं था. नेक्स्ट पेज पर आइए. इन्वेंट्री बना सकते थे, पेज 167, कि कितना कैश आपके यहां गिना गया, कितना स्टॉक वैल्यूबल आर्टिकल में मिला, उसकी इन्वेंट्री बनती थी, बनती आज भी. मेक एन इन्वेंट्री ऑफ एनी कैश स्टॉक वैल्यूबल आर्टिकल ऑफ थिंग चेक्ड और वेरीफाइड बाय हिम. एंड नंबर थ्री, आपकी इंप्लॉयज की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है कि बुक्स में कैश मिला 10 करोड़ जबकि कैश बुक में कैश था ओनली 10 लैक्स. रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन विच में बी यूजफुल फॉर और रेलिवेंट टू एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट. आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं. वापस आइए पेज 166, क्लॉज 1A डाला गया जहां आपको बुक्स इंपाउंड करने की पावर देती है. इंपाउंड मतलब अपने कब्जे में लेना. इंपाउंड ऊपर से पढ़िए. एन इनकम टैक्स अथॉरिटी एक्टिंग अंडर दिस सेक्शन में इंपाउंड एंड रिटेन इन इट्स कस्टडी फॉर सच पीरियड एज इट थिंक्स फिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्टेड बाय हिम. सो ओनली बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स इंपाउंड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट सच इनकम टैक्स अथॉरिटी शैल नॉट इंपाउंड एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अदर डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट आफ्टर रिकॉर्डिंग हिज रीजंस फॉर डूइंग सो. सो रीजंस रिकॉर्ड करेंगे कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्यों इंपाउंड कर रहे हैं. एंड रिटेन इन हिज कस्टडी एनी सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स अदर डॉक्यूमेंट्स फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 15 डेज एक्सक्लूसिव हॉलीडेज विदाउट ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ चीफ CIT और CIT. तो अगर बुक्स इंपाउंड की जा रही हैं तो उसके रीजंस रिकॉर्ड किए जाएंगे. हम बुक्स को इंपाउंड कर रहे हैं, रीजंस होंगे कि मैसिव डिफरेंस मिला हमें, कैश मिला 10 करोड़ जबकि बुक्स में सिर्फ 10 लाख, स्टॉक मिला 1 लाख जबकि बुक्स में सिर्फ 5,000. और 15 दिन तक आप इंपाउंड कर सकते हैं एक्सक्लूसिव ऑफ हॉलीडेज. और उसके ऊपर इंपाउंड करना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, कब्जे में रखना चाहते हैं इनकम टैक्स अथॉरिटी, तो उसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी चीफ CIT या CIT की, प्रोवाइडेड. TDS TCS सर्वे में बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स इंबाउंड नहीं कर सकते, प्रोवाइडेड एंड नो एक्शन अंडर क्लॉज 1A और क्लॉज 2 शैल बी टेकन बाय एन इनकम टैक्स अथॉरिटी एक्टिंग अंडर सबसेक्शन 2A अबव. व्हाट इज सबसेक्शन 2A? TDS TCS सर्वे. सो TDS TCS सर्वे में ना तो आपका कैश गिन सकते ये, ना स्टॉक गिन सकते और ना ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स इंपाउंड कर सकते हैं. सबसेक्शन 4 देखिएगा. एन इनकम टैक्स अथॉरिटी एक्टिंग अंडर द सेक्शन शैल ऑन नो अकाउंट रिमूव और कॉस्ट टू बी रिमूव फ्रॉम द प्लेस वेयर एन ही हैज एंटर्ड एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स कैश स्टॉक वैल्यूएबल आर्टिकल ऑफ थिंग. यह अमेंडमेंट आ गई, बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट सीज कर सकते हैं लेकिन सर्वे में कैश स्टॉक वैल्यूएबल आर्टिकल थिंग इंपाउंड नहीं कर सकते. अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी को लगता है कि कैश गायब कर देंगे आप, सर्च एंड सीजर में कन्वर्ट कर देंगे, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, सर्च एंड सीजर में सब कुछ उठा के ले जाते हैं आपको छोड़कर. 5 सेक्शन 133(5) है. 133(5) सो हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में नया लॉ पढ़ेंगे जो फाइनेंस एक्ट 2021 से आया है, 147
टू 151। वहां पर हम देखेंगे सर्वे की बात करेंगे तो वहां सर्वे में 133 2A का सर्वे और 133 5 का सर्वे भी के लिए कुछ अलग से लॉ बना हुआ है, वो वहां देखेंगे। बट 133 2A क्या होता है, सर्वे इन केस ऑफ टीडीएससी सर्वे एंड दिस इज सर्वे ड्यूरिंग एनी फंक्शन। आपके यहां कोई फंक्शन चल रहा है, मैरिज चल रही है और डिपार्टमेंट देखता है कि आपने करोड़ों रुपए खर्च किया है, क्या डिपार्टमेंट आपकी सेरेमनी में एंटर कर सकता है? एक बार इन्होंने लॉ चेंज करने की कोशिश की थी, इन्होंने अलाउ कर दिया था कि आप फंक्शन के दौरान सर्वे कर सकते हैं। जितने हिंदू महासंगठन हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो गए कि आप तो हमारे रिलीजियस रिचुअल्स में फंक्शंस में बाधा डाल रहे हैं, और बहुत शोर मचा, अमेंडमेंट नहीं आ पाई। और लॉ ये है कि सर्वे पार्टी एंटर कर सकती है ओनली आफ्टर द फंक्शन इज ओवर। कभी आप किसी शादी में गए हो, कभी किसी शादी में गए हो, शादी खत्म कब होती है? जब फेरे हो जाते हैं, विदाई हो जाती है। और आपने देखा होगा 12 बजे के बाद 99% गेस्ट चले जाते हैं, सिर्फ घर घर के 20-25 लोग रह जाते हैं। और टेंट वाले क्या करते हैं, अपने टेंट खोलना शुरू कर देते हैं और सिर्फ 20-25 चेयर छोड़कर, एक जो फेरे का मंडप होता है उसको छोड़कर बाकी सब कुछ पैक करके ले जाते हैं। और जब तक विदाई होती है तब तक कुछ बचता ही नहीं है, इसलिए इनको सर्वे में सक्सेस नहीं मिल पाती। जब लालू यादव की बेटी की शादी हुई, ये सर्वे नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ दिस लॉ। द लॉ सेज यू कैन एंटर द फंक्शन ओनली आफ्टर द फंक्शन इज ओवर, एंटर द सेरेमनी ओनली आफ्टर द फंक्शन इज ओवर। सबसेक्शन 5 है ये, वेयर हैविंग रिगार्ड टू द नेचर एंड स्केल ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द असेसी। सबको मालूम है लालू यादव ने अपनी बेटी की शादी में करोड़ों रुपए खर्च किया था, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाए थे। क्यों? वेयर हैविंग रिगार्ड टू द नेचर एंड स्केल ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द असेसी इन कनेक्शन विद एनी फंक्शन सेरेमनी इवेंट द इनकम टैक्स अथॉरिटीज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी और एक्सपीडियंट सो टू डू ही मे एट एनी टाइम आफ्टर सच फंक्शन सेरेमनी और इवेंट। कुछ बचता ही नहीं। रिक्वायर द असेसी बाय होम सच एक्सपेंडिचर बीन इनकर्ड और एनी पर्सन हु इन द ओपिनियन ऑफ द इनकम टैक्स अथॉरिटीज लाइकली टू पोजेस इंफॉर्मेशन एज रिस्पेक्ट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड। असेसी से पूछ सकते हैं या फिर शमियाना वाला जो केटर है उससे पूछ सकते हैं। उन सबको पैसा कैसे मिलता है? वो कहते हैं जी हमने खाना से स्वाद के लिए बनाया था, हमने डेकोरेशन कोई खास की ही नहीं थी। हाँ, अगर 5-स्टार होटल में है तो मैनेजर के थ्रू पकड़ लेते हैं। जैसे ताज होटल है, वहां शादी की आपने, वहां आप पेमेंट कर रहे हैं थ्रू कैश, ऑल द होटल वाला कैश लेगा नहीं आज आपसे, 2 लाख से ऊपर कैश लेता है पेनल्टी लग जाती है 2 GST की। बट हाइपोथेटिकली मैनेजर से डिटेल ले सकते हैं कि कितनी प्लेटें लगी, कितना पैसा दिया गया, और मैनेजर की स्टेटमेंट कैन बी यूज अगेंस्ट द असेसी इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। सो आफ्टर सच फंक्शन सेरेमनी और इवेंट रिक्वायर द असेसी बाय होम सच एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड लालू यादव और एनी पर्सन हु इन द ओपिनियन ऑफ द इनकम टैक्स अथॉरिटी इज लाइकली टू पोजेस इंफॉर्मेशन एज रिस्पेक्ट एक्सपेंडिचर इनकर्ड शमियाना वाला केटर टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन एज ही मे रिक्वायर एज टू एनी मैटर विच मे बी यूजफुल फॉर और रेलिवेंट टू एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट एंड मे हैव द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन असेसी और अदर पर्सन रिकॉर्डेड एंड स्टेटमेंट सो रिकॉर्डेड कैन बी यूज एज एविडेंस अगेंस्ट द असेसी इन द प्रोसीडिंग्स। 6
इनकम टैक्स वाले मार्केट्स में सर्वे करने जाते हैं, दुकानदार क्या करते हैं, शटर्स गिरा लेते हैं, शटर गिरा लेते, कहते हैं हम सर्वे पार्टी को एंटर नहीं करने देंगे। दुकानदार क्या कहते हैं, अपने मसल मैन बुला लेते हैं, कहते हैं सर्वे पार्टी को बाहर करिए, मत घुसने दीजिए। आप चलिए सर्वे पार्टी घुस गई, कैश स्टॉक गिन लिया, आप कहते हैं हम पहली बात कैश गिनने नहीं देंगे आपको, स्टॉक गिनने नहीं देंगे आपको। चलिए आपने गिन भी लिया, हम स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपनी, हम ये नहीं बोलेंगे कि कैश इतना था। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इनकम टैक्स अथॉरिटी आपको 131 का समन दे देगी। अभी हमने 131 पढ़ा था, जहां समन दे देगी और कहेगी कि हम आपसे कहते हैं विद इन 10 मिनट्स ये सब प्रोड्यूस करिए। और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आप 131 के समन से आप कंप्लाई नहीं करेंगे तो आपके ऊपर रेड कर देते हैं, इनकम टैक्स छापा मार देते हैं। सो प्रैक्टिकली यही होता है, अगर आप शटर्स गिरा लेते हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटी को घुसने नहीं देते, अपने मसल मैन बुला लेते हैं, उनको मैन हैंडल करते हैं, तो इनकम टैक्स वाले क्या करते हैं, 131 का समन टाइप करते हैं कि हम आपसे कहते हैं कि 10 मिनट के अंदर हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोड्यूस करिए, हम बाहर खड़े हैं, और लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट्स करते हैं, उसकी एविडेंस रिकॉर्डिंग करते हैं, और फिर भी एसएससी नहीं मानता तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, रेड कर देते हैं, ताले तोड़ देते हैं, शटर तोड़ देते हैं, प्रेमिसेस में एंटर कर जाते हैं। इसी तरह अगर आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने से मना करा देते हैं कि मैं स्टेटमेंट नहीं दूंगा कि 10 करोड़ का कैश था, आप कैश गिनने नहीं देते, स्टॉक गिनने नहीं देते, तो आपको 131 का समन दे देगा कि हमें ये काम करने दीजिए। और 131 के समन से आपने नहीं कंप्लाई किया तो आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इट विल रिजल्ट ऑन अ रेड अपॉन यू। 6, इफ अ पर्सन अंडर दिस सेक्शन इज रिक्वायर्ड टू अफोर्ड फैसिलिटी टू द इनकम टैक्स अथॉरिटी टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स और द डॉक्यूमेंट्स और टू चेक वेरीफाई एनी कैश स्टॉक अवेलेबल आर्टिकल ऑफ थिंग और फर्निश एनी इंफॉर्मेशन और टू हैव अ स्टेटमेंट रिकॉर्डेड आइदर रिफ्यूजेस और इफ इट शुड डू सो द इनकम टैक्स अथॉरिटी शैल हैव द पावर्स conferred under 131(1) summon for enforcing compliance with the requirement। आपको 131 का समन दे देते हैं, आपकी दुकान के बाहर चिपका देते हैं, लाउडस्पीकर से पढ़ के सुनाते हैं, एंड नॉन कंप्लायंस विद अ समन अंडर 131 रिजल्ट्स इन ऑथराइजेशन ऑफ सर्च एंड सीजर ऑन द एसएससी, और फिर ताले तोड़कर सर्च एंड सीजर कर देते हैं। अब मोदी साहब ने कहा कि इनकम टैक्स वाले अपनी पावर्स मैसिव मिसयूज करते हैं, जबरदस्त मिसयूज करते हैं, इसलिए उन्होंने फेसलेस स्कीम निकाल दी। ये जो सर्वे पार्टी होती है ये भी जाकर ब्राइब मांगती है, तंग करती है एसएससी को, इन्होंने अमेंडमेंट की। ये अमेंडमेंट्स आई हैं टैक्सेशन एंड अदर लॉज रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजंस एक्ट 2020। अब कोई भी सर्वे होगा तो उसके लिए अप्रूवल लेनी पड़ेगी आपको प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर। इवन कमिश्नर ऑथराइज नहीं है, यानी सर्वे कौन ऑथराइज करेगा, चीफ कमिश्नर और डायरेक्टर जनरल। सो पहले एओ भी सर्वे ऑथराइज कर देता था, पावर्स खत्म कर दिया। अब इन्होंने कहा कि नो एक्शन अंडर दिस सेक्शन शैल बी टेकन बाय एन इनकम टैक्स अथॉरिटी विदाउट द अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल और द डायरेक्टर जनरल और चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सो इवन सीआईटी इज नॉट अलाउड टू ऑथराइज सर्वे। सो एक मेजर चेंज आया ये वाला। और सर्वे कौन करेगा अब,
इनकम टैक्स अथॉरिटी का मतलब चेंज कर दिया। इनकम टैक्स अथॉरिटी मींस ऑफिसर्स पोस्टेड इन डायरेक्टरेट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन विंग एंड कमिश्नरेट्स ऑफ टीडीएस ओनली। तो अब नॉर्मल एओ सर्वे नहीं करेगा। पहली बात तो अप्रूवल चाहिए डीजी, डायरेक्टर जनरल, चीफ कमिश्नर की। दूसरी बात, जो सर्वे करने जाएगी पार्टी उसमें सिर्फ ऑफिसर्स होंगे डायरेक्टरेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन विंग के, जहां इन्होंने सबसे ऑनेस्ट ऑफिसर्स पोस्ट किए हुए। और टीडीएस का सर्वे करेगी कमिश्नरेट्स ऑफ टीडीएस के ऑफिसर्स। (133(2)A टीडीएस टीसी सर्वे। तो एनालिसिस देखिएगा कि फाइनेंस एक्ट 14 ने टीडीएस टीसीएस सर्वे करने की पावर दे दी है, यह देखने के लिए कि टीडीएस टीसीएस सही कलेक्ट जमा हुआ है या नहीं। और यहां डिस्टिंग्विशिंग फीचर है पॉइंट 2, इनकम टैक्स अथॉरिटीज एंटर कर सकती है प्रेमिसेस आफ्टर सनराइज बट बिफोर सनसेट, यहां बिजनेस आवर्स एप्लीकेबल नहीं है। इनकम टैक्स अथॉरिटीज इंस्पेक्ट कर सकते हैं बुक्स एंड अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स, लेकिन सर्वे में दे कैन नॉट इंपाउंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स, दे कैन नॉट मेक इन्वेंट्री ऑफ कैश स्टॉक एंड अदर वैल्यूबल आर्टिकल ऑफ थिंग। फाइनेंस एक्ट 17 से अमेंडमेंट आई, जहां इन्होंने पहले बिजनेस प्रोफेशन जहां होता था वहां सर्वे कर सकते थे, बट अब सर्वे कर सकते हैं इवन एट द प्लेस वेयर एक्टिविटी ऑफ चैरिटेबल नेचर इज कैरिड ऑन। अगर स्कूल वाला कहता है कि किताबें ट्रस्टी के घर पर रखी हुई हैं, तो ट्रस्टी के घर का भी सर्वे कर देंगे। फॉलोइंग पॉइंट्स में भी नोटेड, द अमेंडमेंट एक्सटेंड्स द पावर ऑफ सर्वे टू प्लेसेस कनेक्टेड विद एक्टिविटी फॉर चैरिटेबल पर्पस सेक्शन 11-13 एट वेरियस प्लेसेस डिस्टिंग्विश बिटवीन चैरिटेबल पर्पस एंड रिलीजियस पर्पस। हेंस द अमेंडेड पावर टू सर्वे डज नॉट एक्सटेंड टू प्लेसेस वेयर एक्टिविटी फॉर रिलीजियस पर्पस आर कैरिड ऑन। इन अदर वर्ड्स, टेम्पल्स, मॉस्क, चर्च, गुरुद्वारा, दरासर एक्सेट्रा कैन नॉट बी सर्वेड इवन आफ्टर द अमेंडमेंट। पेज 169, विज़ा विज़ चैरिटेबल पर्पस देर इज नो एक्सेप्शन, हेंस इनकम टैक्स अथॉरिटी मे नाउ एंटर प्लेस वेयर एनी एक्टिविटी ऑफ चैरिटेबल पर्पस इज कैरिड ऑन इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ एक्टिविटी, वेदर इट्स एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, योगा सेंटर एटसेट्रा, योगा इज चैरिटेबल। द एक्टिविटी बींग कैरिड ऑन फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ पब्लिक इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन ट्राइब, वहां पर भी एंटर कर सकते हैं। एक मिनट, थोड़ी नंबरिंग गलत हुई है ये। इररिस्पेक्टिव ऑफ, इसे 1 और 2 कर दीजिए, सी डी काट के 1 और 2 कर दीजिए, 1 और 2। सो नाउ चैरिटेबल प्लेस पे एंटर कर सकते हैं, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो आप, हॉस्पिटल हो आप, योगा सेंटर हो, या फिर जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है वो पब्लिक के लिए है, माइनॉरिटीज के लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, वुमेन के लिए है, एंटर कर सकते हैं। और यहां एंटर कर सकते हैं ओनली आफ्टर सनराइज बट बिफोर सनसेट। अगर बुक्स रेजिडेंस पर है किसी ट्रस्टी के, उसका भी सर्वे कर सकते हैं। सेक्शन ये इंपॉर्टेंट है, 133(2)A, व्हाट इज दैट? टीडीएस टीसीएस सर्वे।
provides that for the purpose of verifying compliance with certain provisions, including TDS, TCS provisions, and income tax authority may enter any office or other place where business profession is carried on. यहां पर charitable activity include नहीं है. Therefore, charitable institution का TDS survey is not possible. तो ये मैंने बताया कि misuse of powers of survey करने के लिए इन्होंने कहा कि सर्वे कर सकती है ओनली इनकम टैक्स अथॉरिटी विद अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल चीफ कमिश्नर एंड प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर. और जो सर्वे करेंगे ऑफिसर्स वो होंगे ऑफिसर्स पोस्टेड इन डायरेक्टरेट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन विंग एंड कमिश्नरेट्स ऑफ टीडीएस. और अगर सर्वे किया जा रहा है विदाउट अप्रूवल्स ऑफ द स्पेसिफिक अथॉरिटी then survey proceedings are invalid and illegal. एक मिनट आइएगा पेज 165 पर. आपने एक परचेज की है 50 लाख रुपीस की, आपका केस असेसमेंट में है, एओ वेरीफाई करना चाहता है कि परचेज वैलिड है या नहीं, तो एओ को अभी खुद करने की जरूरत नहीं है. एक सेक्शन है 133C जहां एओ, यहां कुछ इनकम टैक्स अथॉरिटीज बैठी हैं, उनको भेज देगा कि प्लीज मुझे वेरीफाई करके देखिए दीजिए कि ये परचेज हुई थी या नहीं. और ये इनकम टैक्स अथॉरिटी वेरिफिकेशन करेगी कि परचेज हुई थी या नहीं और रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगी एओ को. इसी तरह से असेसी के पास एक लोन आया हुआ है, असेस ने लोन दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है, लेट्स से 50 लाख का, या फिर लिया हुआ है टेकन लोन. एओ वेरिफिकेशन करवाना चाहता है कि लोन जेन्युइन है या नहीं, तो एओ खुद वेरीफाई नहीं करेगा. 133C में प्रेस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी है, उनको भेजेगा कि मुझे वेरिफिकेशन करके दीजिए ये लोन्स वैलिड, आई मीन जेन्युइन है या नहीं, को रिलेट करिए विद फेसलेस असेसमेंट. फेसलेस असेसमेंट में वेरिफिकेशन यूनिट्स बन गए हैं, बेसिकली यही वेरिफिकेशन यूनिट्स हैं आपके, बेसिकली यही वेरिफिकेशन यूनिट्स बने आपके. Power to call for information by prescribed income tax authority. तो अब prescribed income tax authority को AO भेजेगा कि verify करके दीजिए, और prescribed income tax authority आगे information मंगाएगी कि बताइए ये purchase आपसे की गई थी या नहीं, ये loan आपने दिया या नहीं, ये loan आपको मिला है या नहीं. The prescribed income tax authority में For the purpose of verification of information in his possession relating to any person issue a notice to such person requiring him on a date on or before a date to be specified therein to furnish information documents verified in the manner specified therein which may be useful for or relevant to an inquiry or proceeding under this act. So, aaj AO verification nahi karta. वेरिफिकेशन के लिए एक प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी है, और प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी वेरिफिकेशन करके उसके रिजल्ट्स भेजेगी एओ को. और सिंस अब फेसलेस असेसमेंट आ गई है तो ये काम वेरिफिकेशन यूनिट्स करते हैं. वेयर एनी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स
has been received in response to a notice under subsection 1, the prescribing competition authority may process and utilize such information documents in accordance with a scheme notified under 135A or 135A में स्कीम आ गई है. देखिएगा, पेज 169 पर द सेंट्रल गवर्नमेंट मे मेक अ स्कीम बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट फॉर द पर्पस ऑफ कॉलिंग इंफॉर्मेशन अंडर 133. तो अब देखिए जितना काम होगा 133, 133 सी, 133 बी, ये सब कुछ फेसलेस तरीके से होगा. बेसिकली सीबीडीटी ने वेरिफिकेशन यूनिट्स बना दी है जो ये काम कर रहे हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट मे मेक अ स्कीम बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट फॉर द पर्पस ऑफ कॉलिंग इन्फॉर्मेशन अंडर 133, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अंडर 133B, कॉलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन बाय द प्रिस्क्राइबिंग अथॉरिटी अंडर 133C, एक्साइज ऑफ पावर टू इंस्पेक्ट रजिस्टर एटसेट्रा वगैरह वगैरह. तो ये फेसलेस तरीके से किए जाएंगे. सिंपली लिख दीजिए, फेसलेस कलेक्शन होगी सारी. तो अब अभी जो आपने पढ़ा, इन सभी सेक्शंस में अब फेसलेस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन की जाएगी. थोड़ा कंफ्यूजन है आप लोगों को, दूर करते हैं अभी, दूर करते हैं. स्टार्टिंग से शुरू करते हैं. वन थर्टी वन का समन देते हैं आपको, एक तो बैंक मैनेजर को बुलाने के लिए, एक आपको बुलाकर आपको ओथ पर एग्जामिन करते हैं, और अगर आप सीधी तरीके से बुक्स वगैरह नहीं प्रोड्यूस कर रहे तो 131 का समन देकर आपसे बुक्स मंगाते हैं. पेज 161 एट द टॉप लिखिएगा, 161 एट द टॉप. पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद अ समन अंडर सेक्शन 131 इज ₹10,000 पर फेलियर. So 131 में पर्सनल प्रेजेंस डिमांड की जाती है. नॉर्मली बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स तब मंगाते हैं जब आप नॉर्मल कोर्स में नहीं दे रहे हैं. 131 का समन दे देते हैं, और 131 के समन से आप कंप्लाई नहीं करेंगे तो आपके ऊपर रेड हो जाएगी. और यहां पर पर्सनल प्रेजेंस मस्ट होती है, नहीं चाहेंगे अपने सीए को भेज देंगे, बाहर निकाल देंगे सीए को, और पेनल्टी लगा देंगे 10,000, और सर्च एंड सीजर की पावर इनके पास आ जाती है. 131(2) में समन भेजकर बाहर की गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन मंगा सकते हैं, और 131(3) कहता है कि जो किताबें मंगाई गई आपसे उसको हम इंपाउंड कर सकते हैं. नेक्स्ट 133 अब फेसलेस होगा एज पर 135A. यानी कहां से आपको ये लेटर आ रहा है ये भी पता नहीं होगा,
फेसलेस तरीके से होगा। सो 133 में आपको लेटर आएगा, उस लेटर का आप लेटर से ही रिप्लाई देंगे। नॉर्मली यहां मांगी जाती है कि आपने कितने रेंट्स पे किए, कितनी कमीशंस पे की पूरे साल में वेरियस पार्टीज को। स्टॉक एक्सचेंज से डिटेल लेते हैं कि किसने शेयर खरीदे, किसने बेचे, ताकि उसको हम इवेजन ढूंढ सके हम। और क्लॉज 6 बड़ी वाइड है, जहां कुछ भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। और नॉर्मली 133(6) कॉमनली यूज होता है। यहां केस पेंडिंग नहीं भी है तो भी आपको 133 दे सकते हैं। पेज 163 एट द टॉप लिखिए, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस विथ सेक्शन 133 इज ₹100 पर डे ड्यूरिंग विच डिफॉल्ट कंटिन्यूज। जब तक नहीं डिफॉल्ट, जब तक इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, ₹100 रोज की पेनल्टी लगती रहेगी। सो 133 में लेटर आता है, लेटर के थ्रू है आपको जवाब देना होता है। पेज 164 पर आइए। 133 भी कुछ नहीं है, डिपार्टमेंट का एक आदमी एंटर करेगा आपके यहां, कुछ गिनेगा नहीं, कुछ काउंट नहीं करेगा, कुछ रिमूव नहीं करेगा, कोई बुक्स नहीं ले जाएगा, कुछ नहीं ले जाएगा, सिर्फ आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा, लेके चले जाएगा। लिखिएगा 133 बी के नीचे, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस विथ सेक्शन 133 बी इज अप टू ₹1,000। तो पेनल्टी के चैप्टर में मैं आपको कोई भी पेनल्टी नहीं कराऊंगा, पेनल्टी तो सारी कराई जा रहा हूं। वन थर्टी थ्री सी कुछ नहीं है, ये तो वेरिफिकेशन कराने का यूनिट है। और आज ये फेसलेस में शिफ्ट हो गया है, जहां ईओ को कुछ वेरिफिकेशन करानी है वो इस इनकम टैक्स अथॉरिटी को लिखेगा, और ये इनकम टैक्स अथॉरिटी असेसी से या जिससे भी वेरीफाई करने करेगी, उसके रिजल्ट्स अवेलेबल कराएगी टू द ईओ। नाउ दिस हैज गॉन टू मर्ज विद वेरिफिकेशन यूनिट्स इन द फेसलेस सेंटर्स। सर्वे में डिपार्टमेंट आपके प्रेमिसेस में एंटर कर जाता है। तीन तरह के सर्वे, इनकम टैक्स सर्वे जहां आपका कैश स्टॉक काउंट होता है, दूसरा टीडीएस सर्वे जहां टीडीएस टीसीएस चेक होता है, एंड नंबर 3 सेरेमनी के अंदर जो सर्वे होता है। सर्वे में बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स ले जा सकते हैं ओनली इन केस ऑफ इनकम टैक्स सर्वे। एंड ऑल्सो इन चैरिटेबल सर्वे, या सो चैरिटेबल या इनकम टैक्स सर्वे में बुक्स ले जा सकते हैं, बट टीडीएस सर्वे में बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं ले जा सकते। चैरिटेबल एक्टिविटी वाले पे सर्वे करते हैं तो उस पर टीडीएस सर्वे नहीं हो सकता। सर्वे में आपको अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करानी होती हैं, आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। लिखिएगा पेज 165 एट द बॉटम, पेनल्टी फॉर फेलियर टू आंसर एनी क्वेश्चन
और फेलियर टू गेट द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड इज रुपीज 10,000 पर फेलियर. और सर्वे में प्रेमिसेस में आपके एंटर कर जाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स सीज कर सकते हैं ओनली इन केस ऑफ सर्वे अदर देन टीडीएसटी से सर्वे. कुछ क्वेश्चंस देखिए पास्ट इयर्स के. डिफाइन द पावर्स एक्सरसाइजेबल पेज 171. Define the scope of powers exercisable by the AO for inquiring into expenditure incurred by an assessor in connection with any function, ceremony, event. 133.5 लिख दीजिए कि ceremony खत्म होने के बाद enter कर सकते हैं, assessee की या फिर शमियाना वाले की होटल वाले की statement ले सकते हैं about the expenditure incurred, और जो statement record की गई है assessee के against use हो सकती है. इसमें एक सेक्शन 69C दिया हुआ है जो मैं बाद में कराऊंगा, बट ब्रीफ कर देता हूं आपको. आपके यहां फंक्शन चल रहा है, सपोज आपने एक 5-स्टार होटल में पार्टी की अपने डीलर्स की, और मान लीजिए 10,00,000 कैश दे दिया होटल को ब्लैक मनी, ठीक है, कैश मान लीजिए चेक दे दिया, कोई ब्लैक मनी का अकाउंट है उसमें से 10,00,000 का चेक काट के दे दिया. सो असेसी का एक ब्लैक मनी का अकाउंट है जो छिपा के रखा हो उसने, उसमें से 10,00,000 का होटल को चेक काट के दे दिया. अब जब सर्वे होता पता चलता है ये पैसा अकाउंटेड नहीं था. हम पढ़ेंगे 147 में आपकी इनकम मान लेंगे 10,00,000. अब क्या असेसी कह सकता है ये मेरा बिजनेस एक्सपेंडिचर था डीलर्स पे, मुझे अलाउ करिए? ऐसा हुआ था कभी? और सेक्शन 69C हम पढ़ेंगे जिसमें लिखा गया कि कोई अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर पकड़ा जाता है वो आपकी इनकम डीम कर लेंगे और वो हम एक्सपेंस अलाउ नहीं करेंगे. तो ऐसा से ये नहीं कह सकता कि 10,00,000 ठीक है मेरी इनकम बन गई बट मुझे 10,00,000 का एक्सपेंडिचर अलाउ करिए, सेक्शन 69C मना कर देगा. ये हम पेनल्टी के चैप्टर में पढ़ेंगे. 2, ये तो हमने पढ़ा था जी. An AO issues requisition under 133.6 calling on a branch of a public sector bank to furnish information on operations of accounts of one of the customers. It is understood that neither bank nor its customer is assessed to tax by the AO issuing the requisition. The AO is reported to engage on general survey work to rope in new assessees. In neither case it is reported that any assessment proceedings are pending. Can the bank refuse to give the information? It cannot. अगर proceeding pending नहीं भी है, AO inquiry करने के लिए 133.6 issue कर सकता है. Only thing is, he will have to take prior approval of CIT. और अगर assistant director, deputy director, joint director issue कर रहा है, उसे वो भी नहीं चाहिए. 3, 172. An income tax authority in the course of exercising powers of survey under 133A serves a summon on the assessee and impounds the books of accounts or the documents. Is the action valid? Yes. Survey mein aaj books of accounts seize kar sakte hain. But agar TDS TCS survey hai, to books of accounts documents seize
नहीं कर सकते। फोर, द एओ विद इन हिज ज्यूरिसडिक्शन सर्वेड द रेजिडेंशियल हाउस ऑफ एन असेसी हु वाज एंगेज इन मनी लैंडिंग बिजनेस देयर फ्रॉम ऑन 9th May 2021 वेंसडे एट 4:30 PM। तो असेसी मनी लैंडिंग का बिजनेस घर से कर रहा है, तो बिजनेस कर रहे हैं वहां, तो सर्वे हो सकता है। 4:30 बजे हुआ है, यस, सिंस वो उसका नॉर्मल ऑफिस नहीं है, प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो यहां पर सर्वे हो सकता है आफ्टर सनराइज बट बिफोर सनसेट। 5, एओ एंटर्ड इनटू अ होटल रन बाय अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एक्सरसाइज रिजर्वेशन एट 8:00 PM फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन विच मे बी यूजफुल फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। होटल खुला होता है 9:00 से 9:00 PM। होटलियर कहता है कि वो मेरे होटल में एंटर नहीं कर सकता आफ्टर सनसेट, इज ही करेक्ट? गलत है, बिकॉज बिजनेस प्रमिसेस आप एंटर कर सकते हैं ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, एंड फॉर होटल बिजनेस आवर्स इन दिस केस आर 9 to 9, एंट्री हो सकती है इसमें, एग्जिट कभी भी हो। ये तुम कर चुके हैं। 4, 6, चलिए बाकी क्वेश्चंस करिएगा आप। 7th interesting chapter, सर्च एंड सीजर, जिसे हम कहते हैं इनकम टैक्स का छापा, इनकम टैक्स का छापा। इनकम टैक्स रेट्स बहुत बहुत कॉन्फिडेंशियल होती हैं। क्या होता है, रीडिंग पार्टी में मान लीजिए 50 ऑफिसर्स हैं, नॉर्मली हर केस में पुलिस फोर्स भी जाती है और एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भी साथ जाता है। सो रेडिंग पार्टी को एक जगह इकट्ठा करते हैं, पुलिस के ऑफिसर्स भी बुलाए जाते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट लिया जाता है। डिपार्टमेंट अपनी बसेस कार्स हायर करता है, उन कार्स में सारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स बंद कर दिए जाते हैं। जितने ऑफिसर्स हैं, पुलिस फोर्स है, मजिस्ट्रेट है, इन सबके मोबाइल फोन ले लिए जाते हैं, क्योंकि रेड बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है, क्योंकि अगर असेसी को पता चल गया रेड होने वाली है, सब कुछ गायब कर देगा। तो क्या होता है, कमिश्नर रेड को लीड करता है और रेडिंग पार्टी को बसेस वगैरह में ले जाते हैं और कहते हैं हम अनडिस्क्लोज्ड डेस्टिनेशन पे जाएंगे। सिर्फ कमिश्नर को मालूम होता है कि हम कहां जा रहे हैं। इन सब को कम्युनिकेशन लेस कर देते हैं, कोई मोबाइल नहीं होगा, कोई कम्युनिकेशन मीन नहीं होगा, गाड़ी में से सारे कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म कर देते हैं। जब रेडिंग पार्टी जहां रेड होनी होती है वहां पहुंच जाती है, रेडिंग पार्टी एंटर करती है, पुलिस और रेडिंग पार्टी बिल्डिंग को चादरों से घेरती है ताकि कोई बाहर ना भाग सके, क्योंकि असेसी की कोशिश होगी कि रेड हुई, अपनी जो डायरी वगैरह है, कैश ज्वेलरी है, अपने एम्प्लॉय को बोलेगा अपनी शर्ट में छिपा के बाहर कूद के भाग जा। तो इसलिए बिल्डिंग को चारों तरफ से घेरते हैं लोग। एक बार रेड शुरू हो गई, फिर सबके मोबाइल्स वापस कर देते हैं कि अब आप मोबाइल्स ऑन कर सकते। सो रेड बहुत बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है और एक रेड कंडक्ट करने में डिपार्टमेंट के लाखों रुपए खर्च होते हैं। और ये रेड ऐसे ही नहीं करते, रेड
इनके पास विजिलेंस से इंफॉर्मेशन होती है कि असेसी के पास बहुत पैसा है, ब्लैक का पैसा है, और बिना फोर्सफुली एंटर किए नहीं पता चल सकता। तो सबसे पहले रेड ऑथराइज की जाती है। ऑथराइज की जाती है मीन्स सर्च वारंट इशू किया जाता है, सर्च वारंट। सो रेड ऑथराइज की जाती है। ऑथराइज का मतलब होता है सर्च वारंट इशू किया जाता है कि रेडिंग पार्टी को हम सर्च वारंट दे रहे हैं टू सर्च द असेसी प्रेमिसेस। अगर 5 बिल्डिंग पर रेड होनी है तो 5 सर्च वारंट बनेंगे, 5 सर्च वारंट बनेंगे। तो जितने प्रेमिसेस पर रेड होती है उतने सर्च वारंट बनाकर रेडिंग पार्टी को दिए जाते हैं। क्या एरोप्लेन में जहां से ऐसे जा रहा है जिस एरोप्लेन से उसको भी सर्च कर सकते हैं? यस, देखेंगे इसे। अभी इनिशियल पार्ट करते हैं। सर्च जो है ऑथराइज की जाती है। ऑथराइज कर सकता है डायरेक्टर जनरल या फिर डायरेक्टर या फिर चीफ सीआईटी और सीआईटी। अब इसमें ऐड हो जाएंगे दैट प्रिंसिपल, चीफ सीआईटी वगैरह वगैरह। सो रेड आपका जो ज्यूरिसडिक्शनल है, सपोज आपकी रिटर्न दिल्ली में फाइल होती है तो दिल्ली का सीआईटी आपका ज्यूरिसडिक्शनल सीआईटी है, वो सर्च वारंट इशू करेगा। तो सर्च वारंट इशू कर सकता है आइदर डायरेक्टर जनरल और चीफ कमिश्नर और डायरेक्टर और सीआईटी। एक बार क्या हुआ, फ्राइडे का कोई छुट्टी थी, सैटरडे संडे डिपार्टमेंट बंद होता है, 3 छुट्टियां एक साथ आ गई और ये सारे लोग घूमने चले गए, सारे लोग घूमने चले गए और इनको सैटरडे मॉर्निंग रेड करनी थी। अब सर्च वारंट पे साइन हो ही नहीं सकते, सर्च वारंट बाय ईमेल नहीं आ सकता, इट हैज़ टू बी फिजिकल सर्च वारंट। सर्च वारंट हैज़ टू बी फिजिकल सर्च वारंट। अब ये चारों छुट्टी पे निकल गए थे और सर्च होनी थी सैटरडे मॉर्निंग, तो सर्च वारंट साइन ही नहीं हो सकते थे और उस समय ये रेड नहीं की जा पाई। और जब तक ये वापस आए छुट्टी से मंडे तक, असेसी सारा कैश गायब कर गया। तो इन्होंने अमेंडमेंट की लॉ में कि जो एडिशनल डायरेक्टर है, एडिशनल कमिश्नर है, जॉइंट डायरेक्टर है, जॉइंट कमिश्नर है, उसे हम पावर दे रहे हैं कि वह सर्च वारंट इशू कर सकता है अगर सीबीडीटी उनको ऑथराइज कर देती है। देखिए चार तो कर ही सकते हैं, ये चार तो कर ही सकते हैं, जो जॉइंट डायरेक्टर है, जॉइंट कमिश्नर है, एडिशनल डायरेक्टर है, एडिशनल कमिश्नर, वो भी सर्च ऑथराइज कर सकता है, सर्च वारंट इशू कर सकता है अगर वो ऑथराइज है बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अंडर दिस सेक्शन 132, अंडर दिस सेक्शन वाइड पावर्स ऑफ सर्च एंड सीजर आर कन्फर्ड ऑन द इनकम टैक्स अथॉरिटीज। द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटिंग टू दिस प्रोविजन हैव बीन ब्रीफली समराइज बिलो। मैंने इस सेक्शन को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है और एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन आते हैं।
हु कैन ऑथराइज सर्च एंड सीज. ऑथराइज मीन्स इशू सर्च वारंट. कौन कर सकता है? डायरेक्टर जनरल, चीफ कमिश्नर, डायरेक्टर और कमिश्नर. हैविंग ज्यूरिसडिक्शन ओवर द असेसी, जॉइंट डायरेक्टर. सो सर्च एंड सीजर कैन बी ऑथराइज बाय डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर, चीफ कमिश्नर, कमिश्नर. ये कर सकते हैं, या फिर एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट डायरेक्टर, ज्वाइंट कमिश्नर. बट ये चार, ज्वाइंट डायरेक्टर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल कमिश्नर, तभी कर सकते हैं इफ दे हैव बीन ऑथराइज बाय सीबीडीटी टू इशू द सर्च वारंट. तो इस केस में क्या होगा, फ्राइडे को सीबीडीटी ज्वाइंट कमिश्नर बुलाएगी, कहेगी हम ऑथराइज करें, जाके सर्च वारंट इशू करो, सर्च करो. However, search can be authorized by, authorized मतलब issue search warrant, additional director, additional commissioner, joint director, joint commissioner, only if it is empowered by CBDT to do so. Number two, when can search and seizure be authorized? यानी किन केसेस में सर्च ऑथराइज की जाती है. सच ऑथराइजेशन कुड टेक प्लेस इफ द अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन. अथॉरिटी मतलब लिखिए, चीफ सीआईटी एटसेट्रा मेंशन्ड इन पॉइंट वन. Such authorization could take place if the authority, authority मतलब chief CIT, CIT, director general वगैरह, on the basis of information in his possession has reasons to believe, क्या a person to whom a summon or notice was issued to produce books of accounts or other documents under 131 or 141 has omitted or failed to do so. So summon under 131, notice under 142-1. ये 142-1 कौन सा है? 142-1-2. तो अगर आपको 131 का समन आया, बुक्स प्रोड्यूस करिए, 142-1-2 का नोटिस आया, बुक प्रोड्यूस करिए, आपने नहीं की, रेड ऑथराइज कर सकते हैं. अब आप इधर देखिए, आपको 131 का समन आया, 142-1-2 का नोटिस आया, सपोज आपको मिला ये 1/1/2022 को और आपको टाइम दिया गया कि 15/1/22 तक बुक्स प्रोड्यूस करिए, आपने नहीं प्रोड्यूस किए इस दिन तक, तो सर्च ऑथराइज कर सकते हैं. क्या 2 जनवरी को भी टाइम दिया आपको, 15 जनवरी तक का टाइम दिया कि बुक्स वगैरह प्रोड्यूस करिए बाय 15 जनवरी, क्या 2 जनवरी को ये सर्च ऑथराइज कर सकते हैं सेइंग दैट कि असेसी बुक्स नहीं प्रोड्यूस करेगा? यस, पॉइंट 2 में लिखा हुआ है, बी में. इनफैक्ट लॉ ये कहता है कि अगर ये समन नहीं भी देते हम, और इन अथॉरिटी को लगता है कि असेसी अगर समन दिया जाता तो कंप्लाई नहीं करता, तो भी सर्च ऑथराइज कर सकते हैं. आप इनके गुंडा करती है बेसिकली, ये सर्च करने की वाइड पावर्स ले रहे हैं, सो पहला है ए, आप फेल कर गए टू कंप्लाई विद अ समन अंडर 131, नोटिस अंडर 142-1-2 टू प्रोड्यूस बुक्स ऑफ अकाउंट्स. नंबर टू,
a person to whom a summon or a notice under 131-141 has been issued, एक एक 22 को, time दिया 15-22, दो एक 22 को raid authorize कर सकते हैं, saying that आप इससे comply नहीं करेंगे. इनफैक्ट लॉ कहेगा आपको समन नहीं दिया हमने, तो भी सीआईडी कहता है कि कह सकता है कि समन देते आपको तो आप कंप्लाई नहीं करते. अ पर्सन टू हुम अ समन और नोटिस अंडर 131-141 हैज बीन और माइट बी इशूड विल नॉट और वुड नॉट प्रोड्यूस एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर द डॉक्यूमेंट्स विच विल बी यूजफुल फॉर और रेलेवेंट टू एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट. यस, गुंडागर्दी है. ये सिर्फ सर्च करने की वाइड पावर्स ले रहे हैं. अब आप कहेंगे कि क्या असेसी रीजंस मांग सकता है कि आपने सर्च क्यों की मुझ पर. इन्होंने अमेंडमेंट की रेट्रोस्पेक्टिवली कि असेसी तो छोड़िए, कोई भी कोर्ट, कोई भी अथॉरिटी रीजंस नहीं मांग सकती कि क्यों सर्च की थी आप. ये रीजंस कॉन्फिडेंशियल है, ना असेसी मांग सकता ना ही कोई अथॉरिटी मांग सकती है. एक्सप्लेनेशन देखिएगा. फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हेयर बाय डिक्लेयर दैट द रीजन टू बिलीव एज रिकॉर्डेड बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी अंडर सबसेक्शन शैल नॉट बी डिस्क्लोज टू एनी पर्सन और अथॉरिटी और द अपीलेट ट्रिब्यूनल. हम किसी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, हमने लॉ में बना दिया ये. और सी देखिए, सी तो और भी वाइड है कि आपके पास एसेट्स है, कैश है, ज्वेलरी है जो इनकम रिप्रेजेंट करती है और इनको लगता है कि आपने ये इनकम डिस्क्लोज नहीं की है या डिस्क्लोज नहीं करेंगे आगे जाके तो भी सर्च ऑथराइज करते. द पर्सन इज इन possession of any articles, things, including money, bullion, jewelry, etc. And these assets represents either wholly or partly the income which has not been or which would not be disclosed by him. Very wide powers of conducting search. और देखिए सर्च ये ऐसे ही नहीं करते कि आज सर्च पे चलते हैं. जहां इनके पास एविडेंस हो, एविडेंस मतलब पूरी इंफॉर्मेशन होती है, इसे बोलते हैं रिकी करते हैं, रिकी. सो पहले इनका एक डिपार्टमेंट जो रिकी करता है, स्टडी करता है कि असेसी के पास किस तरह से कैश फ्लो कर रहा है, कहां कहां वो काम कर रहा है, तो रेड इकट्ठा एक साथ करते हैं सब प्लेसेस पर. सो हु कैन ऑथराइज सर्च एंड सीजर? द चीफ सीआईटी, सीआईटी, डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जिसका असेसी पे जुरिसडिक्शन है, जीडी, जीसी, असिस्टेंट एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल डायरेक्टर इफ ऑथराइज बाय सीबीडीटी कैन ऑथराइज द रेड. ऑथराइज मीन इशू सर्च वारंट. सर्च वारंट इशू हो सकता है अगर इन अथॉरिटीज के पास इंफॉर्मेशन है जिससे इनके पास रीजन टू बिलीव आ जाते हैं कि असेसी को हमने 131 समन दिया, 142-12 नोटिस दिया, उसने कंप्लाई नहीं किया. कंप्लाई नहीं करने पर सर्च का पावर आ जाता है. नंबर टू, हमने 131 समन दिया है, 142-12 नोटिस दिया है, अभी टाइम नहीं निकला, बट असेसी का पास कंडक्ट ऐसा है वो कंप्लाई नहीं करेगा, सर्च वारंट इशू कर सकते हैं. नंबर टू में समन नहीं दिया, नोटिस नहीं दिया, अगर हम देते तो आप कंप्लाई नहीं करते. तीसरा है कि असेसी के पास पोजेशन है आर्टिकल्स, थिंग्स, मनी, ज्वेलरी वगैरह का और ये इनकम रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपने दिखाई नहीं है या विल नॉट बी डिस्क्लोज बाय हिम इन फ्यूचर. और रीजंस टू बिलीव, ना तो असेसी डिमांड कर सकता ना ही कोई अथॉरिटी डिमांड कर सकती. ये अमेंडमेंट आ गई लॉ में. तो आज क्लास थोड़ी छोटी है बिकॉज I have some problem with the vaccination. So, आज यहीं रुकते हैं. We'll stop here.